الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي कल हमने तहियतुल मस्जिद के बारे में कुछ पढ़ा था। इमाम नसाई रहमतुल्लाह का सदा से बात कायम करना है, इससे भी मालूम होता है कि तहियतुल मस्जिद वाजिब नहीं है और यही जमहूर उलमा और मुहद्दिसीन का कौल है, तहियतुल मस्जिद वाजिब नहीं है। क्या इस बारे में जो हमने हदीस पढ़ी काब मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की, क्या इसके अलावा भी दीगर अहादीस मौजूद हैं? तो बात यह है कि जब कोई वजूब का कायल नहीं है ना, तो अहादीस इस बारे में जो वारद नहीं है उनसे इस्तदलाल है। तो यही हदीस है और इसके अलावा भी एक और हदीस है कि एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और वो लोगों की गर्दनें फैलाता हुआ आगे आ रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इजलिस फकत आ गई था, बैठ जाओ तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। तो उसको भी जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये नहीं फरमाया कि तुम दो रकातें पढ़ो और बैठ जाओ, लेकिन फिलहाल इसमें यह भी एहतमाल मौजूद है कि वो पीछे नमाज पढ़कर और फिर आगे आया हो। तो तमाम अदला को देखकर इब्ने हजम ज़ाहिरी के अलावा और कोई भी तहियतुल मस्जिद के वजूद का कायल नहीं है। अदला बहुत सारे हैं, मतलब आगे जो हदीस है ये 732 ज़ाइफ है, आपके यहाँ लिखी हुई है हदीस हज़फ़ है। अगली हदीस है और अगला बाब है अत्तरगीब फिल जुलूस फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठने की तरफ रग़बत, इंतज़ार सलात और नमाज का इंतजार करना इसकी फ़ज़ीलत। अत्तरगीब फिल जुलूस फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठने की रग़बत दिलाना, इंतज़ार सलात और नमाज का इंतजार करने की रग़बत दिलाना, ये बाब इस बयान में है कि मस्जिद में बैठना और नमाज का इंतजार करना इस तरफ शरीयत ने रग़बत दिलाई है। आप इसको पढ़ेगा हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हमदलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاه وتحت حديث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه। दूसरी भी पढ़ा था, मैं आपका सवाल नहीं समझा। हदीस के आखिर में फैसला का जिक्र है, फैसला मतलब किस हदीस में है? हदीस के आखिर में दूसरी हदीस बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मलाइकता, बेशक फरिश्ते तुसल्ली, रहमत की दुआएं करते हैं। वो दुआ क्या है? वो आगे आ रही है, दुआएं करते हैं अला अहदिकुम, तुम में से किसी एक पर, मादामा फी मुसल्लाहु, जब तक वो होता है अपनी नमाज पढ़ने की सदा, अल्लज़ी सल्ला फी है कि जिसमें उसने नमाज पढ़ी होती है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, मा लम युहदिस, जब तक वो बेवुज़ू ना हो, जब तक कि वो बेवुज़ू ना हो, पर इसे दुआ करते हैं अल्लाहुम्म फिर लहु, या अल्लाह तुझे बख्श दे, अल्लाहुम्म रहमहु, या अल्लाह तुझ पर रहम फरमा। इस हदीस में फरिश्तों का दुआ करना उसका जिक्र है और ये फरिश्तों की दुआ उस सूरत में हासिल होती है कि जब इंसान नमाज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ने की जगह पर मौजूद हो। यहाँ इस हदीस के अंदर जो अल्फाज वारिद हुए हैं फी मुसल्लाहु, नमाज पढ़ने की सदा,
यहाँ पर आमतौर पर हमारे जहनों के अंदर एक बात होती है कि जैसे इमाम के साथ हमने नमाज पढ़ी या हमने अकेले नमाज पढ़ी और सलाम फेर गए और उस जगह पर बैठे हैं तो उसी जगह पर बैठे रहें, ठीक है, आगे पीछे ना हो। जबकि मुसल्लाहों के जो लफ्ज है इसके अंदर इस बात का एहतमाल भी मौजूद है कि यहाँ पर मुसल्लाह से मुराद पूरी नमाज पढ़ने की जगह, चाहे वो मस्जिद हो या मुसल्ला हो या फिर वो जगह जहाँ उसने नमाज पढ़ी, यहाँ वो मुसल्ला जहाँ पर बैठकर उसने नमाज पढ़ी है। जैसे ये कमरा है हम इसको मस्जिद नहीं कहेंगे, ये होगा मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह। तो मतलब ये कि अगर एक बंदा उसने नमाज पढ़ी और उसी मस्जिद के अंदर रहा या नमाज पढ़ने की जगह जिसको मुसल्ला कहा जाता है वहां पर या घर के अंदर वो मुसल्ला जो बिछाने वाला होता है उसके ऊपर उसने नमाज पढ़ी तो सारे इसके अंदर मफहूम दाखिल है। हमारे जहनों के अंदर जो बात होती है ना कि किस जगह नमाज पढ़ी है, जहाँ सजदा किया, जहाँ तशहुद करने के बैठ गए तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हो सकते, सिर्फ वहीं पर बैठना होगा, तो ये इस हदीस से इस्तदलाल है। हदीस में दोनों इहतमाल मौजूद है, एक इहतमाल तो यही है कि वो नमाज पढ़ने की जगह पर बैठा रहे और दूसरा है नमाज पढ़ने की जगह में बैठा रहे। जब हम माना दूसरा करेंगे जगह जगह में बैठा रहे तो इसके अंदर कुशादगी आ जाएगी, मतलब बता चलता फिरता रहे लेकिन मस्जिद के अंदर ही हो तो फिर भी फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। बहरहाल दोनों माना का एहतमाल इसके अंदर मौजूद है। और दूसरा जो इस हदीस के अंदर अल्फाज वारिद हुए हैं कि मा लम युहदिस, जब तक वो बेवजू ना हो, यानी यहाँ पर हदस इसका माना तो एक यही है बेवजू होना, लेकिन इसके माना के अंदर मजीद कुशादगी है, इसके अंदर मजीद माना है। सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर वो अल्फाज वारिद हुए हैं कि मा लम युहदिस सुअन, जब तक वो वही बुराई का काम ना करे। तो दोनों माना इसके अंदर आ जाएंगे, एक तो यही कि वो बेवजू ना हो और दूसरा है कि भले वो बावजू हो लेकिन जब तक कि वो कोई बुराई का काम ना करे। बुराई का काम क्या हो सकता है? बस वहां बैठकर झूठ बोले, गीबत करे, चोरी करे, किसी को गाली दे, किसी को तकलीफ पहुंचाए नमाज पढ़ने की जगह पर, तो फिर फरिश्ते उसके लिए दुआ करना बंद कर देते हैं। बात वाजे है कि यहाँ पर हदस से मुराद सिर्फ बेवजू होना नहीं है बल्कि हदस से मुराद हर तरह का गुनाह है, हर तरह की मासियत है, हर तरह की बुराई है, क्योंकि उसकी वजाहत दूसरी सही मुस्लिम की हदीस मौजूद है कि मालम युहदिस फीह या मालम युहदिस फीह मालम युहदि फीह के अल्फाज़ हैं। मालम युहदिस फीह, जब तक उसमें बेवजू ना हो, मालम युहदि फीह, जब तक उसमें किसी को तकलीफ ना दे। अदा से युहदि, अदा अजियत से कहते हैं ना इसी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। शेख साहब इसमें थोड़ा इसको वाजे कर दें, जैसे हम लेडीज जो घर में पढ़ते हैं और अपनी जाय नमाज के ऊपर नमाज पढ़ रहे होते हैं, इससे मुराद वो भी है ना, वो वाला मुसल्ला भी? बिल्कुल सही है, जहां आपने नमाज पढ़ी और अगर आप घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो अब जाहिर बात है कि आपका मुसल्ला पूरा घर नहीं है बल्कि वो जगह जो नमाज के लिए खास की गई है, तो वहां पर जब तक आप मौजूद हो। अगर हम एक माना वो लें जो आमतौर पर लिया जाता है कि नमाज पढ़ने की जगह, तुम्हारा घर में आपने मुसल्ला बिछाया और आप अपनी नमाज के बाद उसी मुसल्ले पर बैठे रहे, एक माना ये। दूसरा देखिए, आपने एक कमरा खास किया है और उसी के अंदर आप नमाज पढ़ते हैं, जिसे कुछ जगह खास कर दी जाती है, तो उस मखसूस एरिया में जो आपने नमाज के लिए खास किया है उसके अंदर रहते हैं तब तक फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं। तो ये घर के अंदर उसको भी शामिल है, आम कॉलेज यूनिवर्सिटी इदारों में जो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बनाए गए होते हैं उसको भी शामिल है और मस्जिद को भी शामिल है। तो जो आपने मुसल्ला बिछाया वहां पर आपने नमाज पढ़ी और वहीं पर आप बैठे रहे और वहां से आगे पीछे नहीं होते तो इसके अंदर ये भी शामिल है। फरिश्ते जो दुआएं करते हैं, दो दुआएं यहाँ पर जिक्र की गई हैं, अल्लाहुम्मा फिर लहु अल्लाहुम्मा रहमहु। तो मगफिरत और रहमत, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? मगफिरत और रहमत, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं और रहमत की दुआएं करते हैं। जी हाँ, ये जो लफ्ज है ना कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श दे, तो मगफरत के अंदर होता है कि बंदे ने जो गुनाह किए अल्लाह ताला उन गुनाहों पर पर्दा रखे। जब हम तौबा करते हैं और इस्तिगफार करते हैं तो दोनों के अंदर भी यही फर्क किया जाता है कि दोनों के अंदर ये माना भी मौजूद होता है कि ताब यतूब, तौबा का माना होता है रुजू करना, वापस पलटना, अल्लाह ताला की तरफ वापस आना,
यानी जो अल्लाह के रास्ते पर बंदा चल रहा था और उससे टेढ़ा हो गया, अब वहां से टेढ़ा होने के बाद दोबारा से वापस आए, तो उसका माना होता है तौबा करना, रुजू करना, अल्लाह ताला से गुनाह की माफी तलब करके अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ना। और जो इस्तिगफार होता है उसके अंदर ये माना भी होता है, और मजीद ये कि बंदा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह मेरे गुनाह पर पर्दा रख दे, क्योंकि गफर का माना बिगफर बोलते हैं अरबी ज़बान में, उस खोद को जो दौरान जंग सर पर पहन जाती है, लोही टोपी, जंगी टोपी जिसे कहते हैं। तो मगफरत का माना यह हुआ कि अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे और मेरे गुनाह के ऊपर पर्दा रख दे। और ये दूसरी जो दुआ है जो फरिश्ते करते हैं कि या अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा, माना यह है कि इस मरहम का माना होता है इंतहाई शफकत, रहमत का माना होता है इंतहाई एहसान, नरमी का मामला करना। तो या अल्लाह इस बंदे के साथ इसके तमाम तर मामलात में रहमत का मामला फरमा, इसके गुनाहों को बख्श दे और इसके गुनाहों पर पर्दा रख। थोड़ा तसव्वुर करें कि फरिश्ते दुआ कर रहे हैं उस बंदे के लिए कि जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद कोई अमल नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा हुआ है अपने नमाज पढ़ने की जगह पर। तो हदीस के बाब से ये बात मालूम हो जाती है कि नमाज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ने की जगह पर बैठना किस कदर बायस सवाब है। लेकिन ये सवाब तभी मिलता है, फरिश्तों की दुआ का बंदा तभी मुस्तहिक होता है, नंबर एक ये कि वो उस जगह पर मौजूद हो, दूसरे नंबर पर ये किसी को तकलीफ ना दे, और तीसरे नंबर पर ये कि वहां पर वो बेवुज़ ना हो। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह इस हदीस की जो है वो शरह के अंदर फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, कहते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि मस्जिद के अंदर बेवुजू होना इसका यूं समझे कि ये ज्यादा कभी है मस्जिद के अंदर थूक फेंकने से, बहुत बड़ी बात है ये कि मस्जिद के अंदर बेवुजू होना ये ज्यादा कभी बात है मस्जिद के अंदर थूक फेंकने से। हालांकि अगर हम किसी को मस्जिद का थूक फेंके देखें तो हम क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, अगर बाज ना तो शाम की पिटाई शुरू कर दें। लेकिन अगर कोई बेवुजू हो जाता है, जाहिर बात है कि ये तो यानी ऐसा कोई अमल है कि जिसको सिर्फ जो है वो मुंह के जरिए से महसूस किया जा सकता है, तो ये जो चीज है ये ज्यादा कभी है। क्योंकि क्या इस्तदलाल कहाँ से है, इस्तदलाल यहाँ से है कि जो फरिश्तों का उसके लिए दुआ करना वो जो मामला है वो मामला मुनकते हो जाता है बेवजू होने से, जबकि थूक फेंकने के बारे में नहीं कहा गया कि अगर कोई बंदा मस्जिद के अंदर थूक फेंकता है, जारी बात है थूक वो नहीं जो कबीले की सिमत में है, वो तो जारी बात है गुनाह है। मुराद यानी मस्जिद के अंदर थूक फेंकना, जैसे अपने पाँव के नीचे थूक फेंकना, या फिर ये है कि जिसे हम पीछे अगवाब के अंदर पढ़ चुके कि अपने बाई तरफ थूक फेंकना, मस्जिद के अंदर कच्ची अगर मस्जिद हो और बंदा थूक फेंकता है तो ये इसका गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा किबले की सिमत थूक फेंकता है तो वो तो सारी बातें गुनाह है। लेकिन ये जो फरिश्ते दुआ करना बंद कर देते हैं, इसकी वजह क्या होती है, बेवजू होना। बात आई समझ में कि मस्जिद के अंदर थूक फेंकना गुनाह नहीं है, मस्जिद के अंदर बेवजू होना ये ज्यादा कभी ही है, गुनाह नहीं कह रहे ज्यादा कभी है। और जाहिर बात है कि मस्जिद में थूक फेंकने पर फरिश्तों का दुआ बंद कर देना इसका कोई जिक्र नहीं है, हाँ बेवजू होने पर फरिश्ते दुआ बंद करते हैं इसका जिक्र करता है। ये देखिए अल्लाह ताला ने क्या उनको फकाहत अता फरमाई है, और ये होता है बंदों के पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ इल्म। आवाज में इको है, ये तो पुरानी बात है, कोई नहीं बात करें, कौन सी बात है, क्या नमाज में इंतजार करने वाले के लिए भी दुआ करते हैं अगर नमाज के टाइम होने से पहले नमाज की जगह इंतजार करें तो कभी कभी का माना नापसंदीदा बुरा, नमाज का इंतजार करना अजान के बाद और फर्ज नमाज से पहले उसका क्या अजर है, उसका अजर इंशाल्लाह आगे आ रहा है। तो फरिश्ते बंदों के लिए दुआ करते हैं, नंबर एक ये कि नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठे रहें, नंबर दो बेवजू ना हो, और नंबर तीन किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। मेरी आवाज दूर से आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, लोगों की अपने इंटरनेट में प्रॉब्लम लगती है, आपकी आवाज हमें बिल्कुल ठीक आ रही है। बाब के अंदर जो पहली हदीस थी उसका ताल्लुक था कि मस्जिद में अपनी जगह पर बैठना उसकी फजीलत और उसकी रहमत। जो दूसरी हदीस है उसके अंदर जो फजीलत जिक्र की जा रही है वो नमाज का इंतजार करने की फजीलत है। नमाज का इंतजार करना इसकी फजीलत ज्यादा है या नमाज के बाद बैठे रहना इसकी फजीलत ज्यादा है, इंतजार करना। तो माना है कि जब आप मस्जिद के अंदर पहले दाखिल हो जाते हैं और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतजार करते रहते हैं या अगली नमाज का इंतजार करते रहते हैं, भले अपने
कामकाज में मसरूफ रहते हैं तो उसका सवाब ज्यादा है, बिलखुसूस मस्जिद में आने के बाद नमाज का इंतजार करते रहना। उसके लिए तो नमाज का सवाब है, और नमाज का जब सवाब है तो नमाज पढ़ने वाले के लिए तो फरिश्तों की दुआ से बढ़कर अजर है। सैयदना सहल बिन साद साइदी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, मन कान फिल मस्जिद यंतज़िरु सलात फहुवा फिस सलात, जो बंदा मस्जिद में होता है नमाज का इंतजार कर रहा होता है तो वो नमाज में होता है, यानी नमाज का अजर उसको मुसलसल मिलता रहता है। इसी तरह वो हदीस जो मलाउल आला वाली हदीस है, इख्तिसामुल मलाउल आला, के जो फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे, मशहूर हदीस है, उसमें जो फरिश्तों ने बताया था कि कफारात और दरजात, किन आमाल की वजह से बंदे के गुनाह सबसे ज्यादा माफ होते हैं और किन आमाल की वजह से बंदे के आमाल सबसे ज्यादा दब से दरजात जन्नत में बुलंद होते हैं, फरिश्तों ने जो आपस में झगड़ा किया था, यह हदीस सुनाई थी आपको, याद है किसी को? आपको तो ये याद नहीं हुआ कि आपने दोपहर को क्या खाया था, याद है? पिछले साल वाली हदीस कहां से याद होगी, कह रहे नहीं ये भी मुबारक है ना, तो पता होगा, डकारे आ रही होंगी, पता होगा क्या खाया था। अच्छा, मुख्तसर ये कि उसमें ये था कि फरिश्ते जब उन्होंने आपस में झगड़ा किया तो उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जिन आमाल की वजह से बंदे के दर्जा जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद होते हैं और गुनाह ज्यादा सबसे ज्यादा माफ होते हैं तो वो कसरतुल खुता इलल मसाजिद, इस्बाबुल वुदू इलल मकार, कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मंतदारु सलाति बादसरा, के नापसंदीदगी के मौके पर वुजू मुकम्मल करना और मसाजिद की तरफ कसरत से पैदल चलकर जाना, कसरत से कदम उठाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, तो ये कफारात हैं, इससे सबसे ज्यादा गुनाह माफ होते हैं। तो नमाज का इंतजार करना इससे मुतालिक बात थी, मुसलसल बंदा नमाज का अजर हासिल करता रहता है और बंदे के गुनाह भी माफ होते रहते हैं। ज़िक्रुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि सलाती फी आकानिल इब्ल, इस बात का तज़किरा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है नमाज पढ़ने से, फी आकानिल इब्ल, आकान आमतौर पर इसका हम माना जो किया जाता है वो ऊँटों का बाड़ा, लेकिन इसका माना बाड़ा नहीं है, इसका माना होता है ऊँटों के पानी पीने की जगह, ऊँटों का घाट, जहाँ ऊँट वारे होते हैं और जहाँ ऊँट पानी पीते हैं, ऊँटों का घाट जहाँ ऊँट पानी पीते हैं। हदीस का नंबर है 735। रसूलुल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अनि सलाती फी आकानिल, बेशक आप अलैहि सलाम ने मना फरमाया है नमाज पढ़ने से ऊँटों के घाट में, ऊँटों के पानी पीने की जगह, और जहां ऊँट बैठते हैं, जो ऊँटों का बाड़ा होता है, तो उसके लिए आगे अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर नहीं है, इसी तरह जो है वो मबरकों की जमा आती है मुबारकों, ठीक है ना, और मुबारक का जो लफ्ज होता है तो बल्कि मबरूक, मबरूक जो लफ्ज है मबरूक, ठीक है ना, तो मबरूक जो लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो इस्तेमाल होता है ऊँटों के बाड़े के लिए, जहां पर ऊँट बरका से लफ्ज किया गया है, मबरूक ऊँटों के बाड़े को कहा जाता है। तो क्या हिकमत है ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से? अच्छा, क्या ये ऊँटों के हौज पर, ऊँटों के पानी पीने की जगह पर और ऊँटों के बाड़े में जो नमाज पढ़ने से मना किया गया है, क्या जब ऊँट मौजूद ना हो तो फिर हम पढ़ सकते हैं? ये तो है, उसके लिए जरूरी है, जब आप ऊँटों के पानी पीने की जगह पर नमाज नहीं पढ़ेंगे या ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये उस वक्त है कि जब ऊँट मौजूद हो, और जब ऊँट मौजूद ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मकूल लहम हैवानात होते हैं जिनका गोश्त खाया जाता है तो उनका बोलो बरा जो होता है वो नापाक नहीं होता, तो उस जगह पर, और मजीद हो ये कि हमें ये भी मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को ऊँट के ऊपर चढ़कर जो नमाज पढ़ी है, कच्चे गधे के ऊपर भी नमाज पढ़ी, लेकिन गधों के पहाड़ों में तो नमाज नहीं पढ़ सकते। और मना करें कि पीछे हिकमत यही है कि हदीस में जिक्र मिलता है कि जो ऊँट है, जी ऊँट जो है, ऊँट तो ये आग के शोले से पैदा किए गए हैं और आग के शोले से शैतान पैदा किया गया है, तो इसके अंदर शरारत ज्यादा होती है, यानी इसके अंदर जो हद होता है, तो अगर ये किसी इंसान के साथ नफरत करना शुरू कर दें तो उनकी नफरत भी बड़ी मशहूर है कि बंदे का आखिर तक पीछा नहीं छोड़ते,
यानी इनके अंदर जो ना वो जो किसी इंसान के खिलाफ दोष पाया जाए तो वो भी आफत रहता है, तो इनके अंदर शैतानी ज्यादा होती है, तो खदशा है कि इंसान को नुकसान पहुंचे। इसके मद्दे मुकाबले जो बकरियों का बाड़ा है तो बेचारे कमजोर जानवर होते हैं, तो वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत है भले बकरियां हो या ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से पैदा किया, बस ये जिक्र हमें मिलता है कि फिर जी जी हाँ, वजू करने के पीछे भी यही हिम्मत बताई जाती है। मकामी तलबा माइक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ, की नाम बहुत मशहूर है उनका, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट को माइक यूज करने का पाबंद करें माइक है। जी हाँ, अगली हदीस है, और इस हदीस की जो इमाम नसाई रहमतुल्लाह की जो तरतीब है इससे पता चलता है कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह जो आम हदीस है उसे इस्तेमाल करते हैं। और रुखसत फी ज़ालिका, इस बारे में रुखसत, लेकिन बहरहाल जो पहले वाली हदीस है इस उमूमी हदीस से वो खास है, उमूमी हदीस से पहले वाली हदीस खास है, तो वो हुक्म अपनी जगह पर मौजूद है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने जो इस्तेमाल किया है और इसका इनका इस्तेमाल इस हदीस से करना, जो भी हम पढ़ेंगे कि मेरे लिए जमीन को रोज जमीन को सजदागाह बनाया गया है, तो वो हदीस इसको खास कर रही है। तो होना ये चाहिए कि पहले ये जिक्र करते और बाद में ये जो ऊँटों के बाड़े या ऊँटों के घाट वाली हदीस से वो जिक्र करते, पहले आम जिक्र करते और फिर उसके बाद खास जिक्र करते। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह का जो इस्तदलाल है वो महले नज़र है। और रुखसत फी ज़ालिका, इस बारे में रुखसत, हदीस का नंबर है 736। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بنا دی گئی ہے میرے لیے زمین سجدہ گاہ اور پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ، وطہورا اور پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ، پاکیزہ نہیں، پاکیزہ تو زمین ہے ہی، لیکن اس سے پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تیمم کر سکتے ہیں۔ اینما ادرک رجل من امت الصلاۃ صلا، جہاں کہیں آدمی نماز پا لے میری امت میں سے تو وہ نماز پڑھ لے، آدمی جہاں کہیں نماز پا لے تو وہ نماز پڑھ لے، جبکہ پہلے ادیان کے اندر ضروری تھا کہ وہ اپنی خاص عبادت گاہوں کے اندر ہی آ کر نماز پڑھیں تو نماز قبول ہوگی۔ یہ جو حکم ہے اوپر جو احادیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے، تو کیا یہ حکم کراہیت پر محمول ہے یا تحریم پر؟ یہ اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کا جو حکم ہے کہ منع کیا گیا ہے، عام طور پر اگر مطلقاً اگر نہیں کرائے کے بغیر آ جائے تو وہ تحریم پر دلالت کرتی ہے، منع کیا، صحیح ہے۔ تو مانا یہ کہ انسان کی جان جانے کا خدشہ ہے، اور جہاں انسان کی جان جانے کا خدشہ موجود ہو تو وہ کام کرنا منع، تو اس کو تحریم پر محمول کریں گے۔ نہیں ہے تو وہ تو پھر الگ بات ہے، لیکن یہاں پر اونٹوں کی بوجھو کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، انصاری صاحب کے مکروہ تحریم میں ایکسپلین کر دیں، مکروہ تحریم جو چیز مکروہ ہے تو وہ حرام کیسے ہے؟ احناف میں ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے مانا سو کرنا بالکل منع، جو مکروہ ہے تو ناپسندیدہ ہے، یعنی آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہے، اسے بچنا چاہیے، لیکن مکروہ بھی اور حرام بھی ہو، یعنی دونوں صفات کے کیا مطلب، یعنی نہیں کرنی چاہیے، مکروہ تحریم کا مطلب نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے تو حرام ہے، تو مکروہ تو نہ ہو۔ حدیث کا نمبر ہے آگے 737، 36 ہم نے پڑھ لی، کہ میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ بنا گیا ہے، جہاں کہیں آدمی نماز کو پڑھے میری امت میں سے صلا تو وہ نماز پڑھ لے۔ صلا اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے، نماز پڑھ لی، لیکن یہ خبر بمعنی انشاء ہے، سمجھتے ہیں نا اس طرح، خبر بمعنی انشاء، سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، آپ بتا بھی نہیں رہے۔ جی ہاں، امر
अस्सलात अल हसीर, यहाँ दो अल्फाज वारिद हुए हैं, एक है हसीर और अगली हदीस में है अल्फुमरा। अल हसीर बोलते हैं चटाई को जो अमूमन खजूर के पत्तों से बनाई जाती है, अल हसीर चटाई। जैसे हदीस में ना दौरतुल फितन और अल कुलूब अल हसीर उदन उदा, लेकिन ये तिनकों से जोड़कर बनाई जाती है अमूमन। लेकिन कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ या बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। खजूर के पत्ते तो छोटे होते हैं, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो इंसान के कद के बराबर होते हैं, तो उन पूरों को तोड़कर और आपस में जोड़कर और पूरी जगह चटाई बना ली जाती है। तो किसी भी चीज की चटाई लेकिन जो पत्तों से मिलकर बनी और पत्ते किसी भी चीज के हों तो उसको हसीर कहा जाएगा। और अलखुमरा, ये जो लफ्ज है अलखुमरा जो आगे आ रहा है, तो ये भी चटाई होती है लेकिन ये सिर्फ सजदा करने की जगह तक, बिल्कुल छोटी मुख्तसर, जिसे आप छोटा मुसल्ला कह लें, जहां पर सिर्फ इंसान का सर और उसके हाथ आ सकते हैं, सिर्फ इतनी जगह, क्योंकि जी हाँ तपिश वगैरह से बचने के लिए और उसको उठाना करना आसान था, तो इस वजह से ये छोटी सी यानी जो मुसल्ले नमा चीज होती है उसको अपने साथ वो रखा करते थे। तो हम तर्जमा जब करेंगे तो अल हसीर का माना करेंगे चटाई और अल खुमरा इसका माना करेंगे सजदा का, सजदा का सजदा करने की जगह, सजदा का जैसे ईदगाह होता है सजदा का, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فاتاها فعمدت الى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه وصلوا معه سيدنا सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है मुसल्ला डालने की क्या वजह है, इसलिए कि गर्मी से बचने की अपेक्षा। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि बेशक उम्मे सुलेम जो उनकी वालिदा थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप अलैहिस्सलाम उनके पास आए فَيُسَلِّيَ فِي بَيْتِهَا بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں نماز پڑھائیں یا نماز پڑھیں فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى تو وہ اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مطالبہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئیں ان کے گھر میں نماز پڑھیں یا پڑھائیں اور جس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیں گے وہ اس جگہ کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مستقل بنا لے وہیں پر وہ نماز پڑھیں گی۔ فاتاہا بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے فعمدت الی حصیر فعمدت تو اس نے ارادہ کیا الی حصیر ایک چٹائی کی طرف فنضحت یعنی وہ اٹھ کھڑی ہوئی ایک چٹائی کی طرف متوجہ ہوئی فنضحت بس اس کو جھاڑا بیمار پانی کی سجن اس کے اوپر پانی چھڑکا فَصَلَّ عَلَيْهِ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نماز پڑھی وَصَلَّوْا مَعَهُ اور جو مرد تھے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث کے اندر ہمیں بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ ولیمہ کی دعوت کے بغیر بھی کسی کی دعوت کو قبول کرنا، اگر کوئی ہمیں بلائے اپنے کسی کام کے لیے یا دعوت دے تو ہمارے لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا اس کا کیا حکم ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے یا یہ مسلمان کا حق ہے؟ اگر حق کہیں گے تو پھر واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ کہیں گے کہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے تو مطلب اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اہتمام کرنا چاہیے، تو کیا کہیں گے اسے؟ نہیں، یہ حق ہے۔ تو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا حق المسلم علی المسلم، تو اس کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ کہ اگر کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے بھلے اس کے اندر کھانا پینا نہ ہو یا تھوڑی بہت جو بھی ضیافت ہو یا وہ اپنی کسی کام کے لیے ہمیں بلاتا ہے دعوت دیتا ہے، لیکن باقاعدہ جس کو دعوت کہا جا سکے، دعوت کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، یہ ہوتی ہے دعوت، لیکن یہ کہ مجھے آپ سے ملنا ہے آپ سے بات کرنی ہے یہ دعوت نہیں ہے، یہ مشورہ وغیرہ کرنا ہوا، اس میں بندہ عذر بھی پیش کر سکتا ہے اگر وہ معذور ہے مصروف ہے، لیکن اگر کوئی بلاتا ہے اس طریقے سے اور باقاعدہ آپ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتا ہے اس کے پیچھے سبب جو بھی ہو تو پھر یہ واجب ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے، اور احادیث کا جو ظاہر ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبے پر ان کے گھر چلے گئے۔ جی
नहीं मेरा मतलब ये था कि वलीमे के बगैर जो वलीमे की दावत है वो तो उसको कबूल करना वाजिब है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन वलीमे की दावत के अलावा अगर कोई बुलाता है तो उसकी दावत को कबूल करना क्या उसका हुक्म है, इस बारे में मैंने वजाहत की। दूसरी जो इससे बात मालूम हुई वो ये कि जो नफली नमाज है, नफली नमाज को बाजमात पढ़ना, नफल नमाज हो उस नमाज की जमात का यहाँ से सवाब मिलता है। जैसे अगर कोई रात को कुरान करीम की दोहराई करना चाहते हैं या बच्चों को आप नमाज पढ़ाना सिखाना चाहते हैं या उसे कोई भी वजह हो, फिर अब कुछ लोग जमा हो गए हैं और कहते हैं कि अब हम नफली नमाज का इहतमाम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नफली नमाज की जमात भी हो सकती है। इस तहत मस्जिद आप दाखिल होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आप मस्जिद के अंदर बैठना चाहते हैं लेकिन आपके साथ कोई और भी आए, आप कहते हैं चलो दोनों इकट्ठे पढ़ लेते हैं, तो नफिल नमाज हो गई, ये भी एक इजाफी नमाज है, तो उसकी भी जमात हो सकती है। इस हदीस से हमें ये मिलता है कि उन्होंने उस जगह को मखसूस कर लिया अपनी नमाज पढ़ने की जगह के लिए, तो इसी तरह जैसे घर में बहुत सारे लोग मखसूस कर देते हैं एक कमरे को नमाज पढ़ने के लिए और उसके अलावा कहीं पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नमाज जगह बदल बदल के करनी चाहिए क्योंकि वो जिस जगह पे नमाज पढ़ते हैं वो उस चीज की गवाही देती है उनकी नमाज की। यहाँ पर जगह से मुराद उस कोने या उस जगह को मखसूस करना, ये नहीं कि मतलब इस जगह पर सिर्फ पांव रखने की जगह ही होगी, मतलब वहां पर ही जब आप नमाज पढ़ते हैं फर्ज नमाज, जैसे खातून को अगर कोई घर के अंदर नमाज पढ़ती है तो वो जो फर्ज नमाज के बाद जो सुन्नतें पढ़ेगी तो थोड़ा सा उस जगह से हटकर आगे या पीछे दाएं बाएं होकर ताकि उसकी पांव रखने की जगह तब्दील हो जाए। बाकी घर के अंदर एक कोना क्यों मखसूस किया जाता है, ताकि वहां पर यानी किसी का आना ना हो, कोई खलल बाकी ना हो और बंदा उसकी पाकीज़गी का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो दोनों के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। जिस तरीके से खातून जो अगर घर के अंदर जगह खास कर लेती है तो वहां पर फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा उसको तब्दील कर सकती, कोई हरज की बात नहीं है इसमें, ये भी सुन्नत अमल है। शेख एक सवाल है, जो आपने कहा ना कि दावत को कबूल करना वाजिब है, तो ऐसे लोग अगर दावत दे रहे हो जो किसी भी किस्म की बिदअत में इन्वॉल्व हो तो फिर क्या उनकी दावत को भी कबूल करना चाहिए? ये तो फिर एक इजाफी मामला हुआ कि हम अहले बिदअत के साथ, अहले बिदअत के साथ हो तो मुकादा करना कतअ तर्दी करना जरूरी है ताकि उनको पता हो कि वो यानी बिदअती लोग हैं, अगर वो मीलाद के लिए बुलाते हैं या सिर्फ कोई और बिदअत है तो उसके ऊपर नकीर का इनकार करना वाजिब है, बल्कि दावत वलीमा जो कबूल करना वाजिब है। तो दावत वलीमा में भी अगर गुनाह के काम हो रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है, मर्दों और औरतों का इख्तलात है, तो आप असहाब आदम हैं, आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसका इनकार करें, अगर इनकार नहीं कर सकते तो उन खुराफा से बचते हुए उनका बायकॉट करना जरूरी है, कम से कम आप बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, तो इस तरह की दावत कबूल ना करना वाजिब है, इस तरह की दावत जहाँ बिदअत हो रही हो या गुनाह के काम हो रहे हैं। अपने साथ रखे जैसा ये पूछा था, जैसे रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उनमें भी मर्द और औरतें होती है तो वो भी मखलूत कराएंगे सब मिलके जब खाना खाते हैं। असल में हमारे यहाँ जो गुनाह इतने आम हो चुके हैं तो उस बुराइयाँ बुराई नहीं समझा जाता, जैसे यानी हफ्ते में एक दिन हम रिश्तेदार जमा होते हैं या ईद के मौके पर, तो उसमें होता ये कि महरम गैर महरम का कोई इतमाम नहीं होता, यानी सब है वो, बल्कि हमारे घरों की हालत ये है कि एक ही घर के अंदर जो भाभी हैं और देवर हैं उनका आपस में कोई पर्दा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा आम इख्तलात होता है। तो सबसे पहले तो ये मामला है रिश्तेदारों के साथ, वो तो कभी कभार का मामला होता है और उसमें तो यानी पर्दे का इहतमाम करना ज्यादा आसान भी होता है कि आए खाना खाया थोड़ी देर बैठे और चलेगा, लेकिन जो काम हमारे घरों के अंदर मुस्तकिल हो रहा है पहले तो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अगर दो भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं या एक शादीशुदा है तो यानी नौकरी के लिए जा रहा है अपनी जॉब के लिए जा रहा है और पीछे जो वो भाभी और देवर अकेले हैं तो ये क्या कितना बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह है। और अगर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर शादी हो गई लड़के की और जब वो भाभी ने पर्दा करना शुरू कर दिया तो सास साहिबा और वालिद और सारे भाई पैदा कर लेते हैं तो हमसे कट जाओगे और माँ रोती रहती है कि तुम्हारी बीवी मेरे बच्चों से पर्दा कर रही है, उतने मासूम बच्चे हैं उनसे पर्दा करेगी, वो खाना कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कपड़े कौन धोएगा उनके, बहुत सारे मसले मसाले हो जाते हैं इसमें। और लड़कियां भी बड़ी जो चालाक होती हैं, वो अपने रिश्तेदारों में सबसे जो वो गुल मिल रही होंगी, उनके कजन वगैरह आ रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन शादी करें तो कहीं भी शरीक पर्दा करते हैं ताकि कोई मेरी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी ना करे, ये भी जो वो उनकी तरफ से मामला सामने आता है। तो वो वाकई में पर्दा करने वाली हो तो फिर जाकर वो फिलहाल हो या ना हो ससुराल में जाकर इशारत रखती है तो उनका ये मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन उनको चाहिए कि ये तो हुआ नहीं जान छुड़ाने वाली बात है ना कि किसी का काम मेरे समय ना आए, जब अपने घर में होती है शादी में होती है तो सारे काम हो रहे होंगे।
एक औरत के बारे में पता चला कि वो शरीफ पढ़ता था और शादी के मौके पर जो ना उसको देखा गया, वो तस्वीरें किस बार, तस्वीरों का मतलब क्या हुआ, जाहिर बात है उसके सारे कजन उसके भाई उसकी तस्वीरें ले रहे हैं उसकी शादी के मौके पर, तो मतलब ये कि तस्वीरें तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती है, तो शरीफ पढ़ता तो ना हुआ ना ये तो, यानी ससुराल वालों का रोक जमा रोक में पर्दा करती हूँ और कोई देवर जो मेरे साथ कोई ताल्लुक ना रखे ना मैं किसी का काम करूँ, बड़े किसी कहानियां हैं। लेकिन हदीस की तरफ वापस आते हैं, बहुत सारे मसले हैं जी हैं, उनमें से एक मसला ये भी है कि इन्होंने चटाई के ऊपर पानी क्यों छटता, इसके पीछे दो वजह थी, या तो इसलिए कि इसके ऊपर शायद नजासत का इहतमाल था, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मुमकिन होता है कि इन्होंने कार्रवाई कर दी हो, या फिर ये कि उसको नरम करने के लिए और साफ करने के लिए उन्होंने पानी छिड़का ताकि आप अलैहिस्सलाम उस पर नमाज पढ़ेंगे तो वो नरम हो और साफ हो। क्या चटा अगर नापाक हो उस पर मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ सकते हैं, और क्या हम क्यों मुसल्ला डालते हैं? आमतौर पर मुसल्ला डालने के पीछे जो वजह होती है वो ये कि जमीन के ऊपर अगर कहीं कोई गर्द गुबार है तो उसके ऊपर खड़े होने के लिए और अपना सर वगैरह जमीन पर रखने के लिए हमारा सर जो बराह रास्त वो मट्टी पर ना रखना, मूवन जो है वजह यही होती है। जैसे मस्जिद नबवी के अंदर आपने देखा होगा मुसल्ले पीछे होते हैं तो वहां पर कोई नहीं बिछाता मुसल्ला, लेकिन बाहर जहाँ फर्श होता है उसके यानी फर्श के ऊपर बिछाने की वजह ये होती है कि या तो लोग वहां से गुजरते हैं और लोगों के जूतियों में जो पानी या जो मट्टी लगी हुई होती है तो वहां से गुजरते हैं, जब आप वहां पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे बैठेंगे सजदा करेंगे तो वो मट्टी और वो आलू की आपके जिस्म और आपके कपड़ों को लगने का खतरा होता है। मुसल्ला बिछाने के पीछे दूसरी वजह के जो जमीन होती है जो फर्श होता है तो उसका बहुत ज्यादा ठंडा होना या गर्म होना, तो उससे बचने के लिए मुसल्ला इसलिए नहीं बिछाया जाता कि नजासत के ऊपर आपने खड़ा होना है। अगर आपको पता है कि यहाँ नजासत है तो उस नजासत को जाहिर करना जरूरी है। जाहिर कैसे करेंगे कि अगर पुख्ता जमीन है जिससे हमारे घरों में फर्श हुआ करते हैं तो उसको धोना जरूरी है पानी बहा देगा, और अगर कच्ची जमीन है तो जाहिर बात है कि हम उसको जो है वो जमीन को मट्टी को तो नहीं निकाल सकते, तो उसके ऊपर पानी बहा दिया था, पानी बहा दिया गया तो नापाकी के ऊपर अब पानी आ गया और पानी जाहिर बात है जमीन जज्ब कर लेगी, तो उसके ऊपर आप मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अगर पुख्ता यकीन है कि यहाँ पर नजासत मौजूद है तो वहां पर आप चाहे मुसल्ला बिछाएं चाहे जो है वो आप उसके ऊपर कोई और चीज रखकर जैसे तख्त वगैरह बिछाकर उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़े नमाज नहीं होगी, हालांकि तख्त के पांव ऊपर होते हैं तब समझते हैं ना चारपाई नुमा होता है, उसके नीचे अगर जो पेशाब वगैरह मौजूद है तो वहां नमाज नहीं होगी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि फिर कुछ पसारे देसी होती है कि बाथरूम के ऊपर नमाज पढ़ने की जगह होती है, बात है ना, तो क्या वहां पर नमाज हो जाती है नीचे बाथरूम और ऊपर पे वो? बल्कि हमारे यहाँ तो एक मसला भी आया था कि इमाम साहब अपनी बीवी के साथ ऊपर सोए रहते हैं और नीचे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो क्या ये जायज है उनको ऊपर रिहाइश देना? यहाँ तो भी सवाल आते हैं। बहरहाल उमूमन ऐसा नहीं होता कि बाथरूम की जगह पर, लेकिन अगर कोई ऐसा घर में आमतौर पर ऐसा घर बना हुआ है कि नीचे बाथरूम है ऊपर रिहायश है और नमाज पढ़ी जाती है तो उसके अंदर हरज की बात नहीं है, क्योंकि वो नजासत उस छत के साथ लगी हुई नहीं है, तो एक बड़ा लंबा फासला है और यानी रुकावट है ना जो वो खराबी है और बहुत बड़ा खरा है। फनजहा को माना है कि उसके ऊपर छाड़ा या उसके ऊपर छिड़का पानी। अगली हदीस है अस्सलातु अलल खुमरा, खुमरा का माना हमने कर दिया यानी सजदा का। अन मैमूना रضي الله عنها, हदीस का नंबर है 738। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली अल खुमरा, आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे सजदा गाह पर, यानी सिर्फ इतनी जगह थी जहां पर सिर्फ इंसान अपना सर और अपने हाथ रख सके। अस्सलातु अलल मिंबर, मिंबर पर नमाज पढ़ने का बयान। नमाज अगर बंदा मिंबर पर पढ़ेगा, मिंबर के जो वो स्टेप होते हैं सीढ़ियां होती हैं और सारी बातें, वहां पर इंसान खड़ा हो सकता है रुकू कर सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता। नमाज मिंबर पर पढ़ने का लाजमी नतीजा है कि जो इमाम होगा वो मुक्तदियों से ऊंचा होगा, सही ना, तो इमाम बिला वजह जो है वो मुक्तदियों से मुस्तकिल तौर पर ऊंच जगह पर खड़ा हो तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर तालीम के लिए और मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ाता है और मुक्तदी जो उसके पीछे है तो फिर ठीक है, वगैरह अकेला इमाम मुस्तकिल। आपने देखा होगा मस्जिद नबवी में जहाँ जो मौजन अजान देता है तो वो चबूतरा नुमा एक छोटा सा कमरा एक छत बनी हुई है, वहां पर जो मौजन होता है वो अकेला नहीं होगा, क्योंकि अकेले बंदे का इमाम के पीछे मुस्तकिल और उच्च जगह पर नमाज पढ़ना बना तो सदस्य उनके साथ एक अफराद होते हैं।
ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, हदीस का नंबर है 739। जी सजदा नहीं करेंगे उतर आएंगे जी, और हदीस के अंदर पूरा इसका जो तस्करा मौजूद है। बिल्कुल हदीस के अंदर यही तस्करा मौजूद है। عن ابي حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ابو حازم بن دينار رحمه الله سے روایت ہے کہ بے شک کچھ مرد کچھ لوگ سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وقد انتروا في المنبر قد انتروا تحقیق انہوں نے اختلاف کیا في المنبر منبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا کہ اس کی لکڑی کس چیز سے ہے یعنی کون سی اس کی لکڑی ہے کس درخت کی لکڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بنایا گیا فسألوہ عن ذلك تو جن لوگوں نے منبر کی لکڑی کے بارے میں اختلاف کیا انہوں نے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا فقال والله تو سہل بن سعد الساعدی نے فرمایا اللہ کی قسم انی لاعرف مما ہوا بے شک میں البتہ جانتا ہوں پہچانتا ہوں مما ہوا کہ وہ کس سے ہے یعنی کس لکڑی سے وہ بنایا گیا ہے میں جانتا ہوں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ اور البتہ تحقیق میں نے اسے دیکھا اس ممبر کو دیکھا اول یومن پہلے دن وُضِعَ کہ جس دن وہ رکھا گیا وَأَوَّلَ يَوْمٍ اور پہلے دن جلس علیہ رسول اللہ کہ جس دن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى فلان تمرأة قد سماها کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلان عورت کی طرف پیغام بھیجا قد سماها سہل سہل رضی اللہ عنہ اس کا نام دیا لیکن یہاں پر اس کا نام مذکور نہیں ہے کہ اس عورت کا کیا نام تھا راوی نے بھی اس نام کا ذکر نہیں کیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ انبری غلامک النجار اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اپنے بڑھئی غلام کو حکم دو اپنے بڑھئی غلام کو حکم دو ان یعمل لی اعوادن یہ کہ وہ بنائے میرے لیے لکڑیاں اعوادن لکڑیاں یا مطلب ممبر بنائے میرے لیے لکڑیاں یعنی بنائے مطلب اس طریقے سے بنائے کہ اس کے اوپر بیٹھنا ممکن ہو اجلس علیہن میں ان کے اوپر بیٹھوں اذا کلمت الناس جب میں لوگوں سے باتیں کروں کلام کروں فامرت ہوں بس اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا فعملہ تو اس نے اس کو بنایا من طرفا الغابت عام طور پر غابہ کا لفظ جنگل کے لیے بولا جاتا ہے لیکن مدینہ میں ایک خاص جگہ تھی جس کو غابہ کا نام دیا جاتا تھا اور طرفا الغابت طرفا بولتے ہیں جھاؤ کے درخت کو طرفا جھاؤ کا درخت یہ مجھے بھی پتا نہیں کہ جھاؤ کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کا معنی یہی ہے یہ جنگلی درخت جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک درخت ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے اس کی ہمیں تصویر مل سکتی ہے یہاں پر تصویر بھی ایسی ہے کہ مطلب سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سا درخت ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو درخت معروف ہے نا تو وہ درخت معروف ہے کہ جو جن کے یا تو پھل استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ مشہور درخت ہیں جو جنگلی ہوتے ہیں جیسے مثلا کیکر کا درخت پیپل کا لیکن یہ جو ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جھاؤ عام طور پر قبرستانوں کے اندر یہ ہوتا ہے اس کی شکل تو دیکھی ہوئی لگ رہی ہے اور یعنی تو بالکل پتلے پتلے سے اور بالوں نما اس کے پتے ہوتے ہیں جیسے بال کیسے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے اس کے پتے نکلے ہوتے بالوں کی طرح باقاعدہ اس کے جوڑے پتے نہیں ہوتے پتلے سے جسے آپ دیکھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ آئے گا فَأَمَرَتْهُ بس اس نے اس کو حکم دیا فَعَمِلَهَا اس نے اسے بنایا من طرفہ الغابتِ غابہ کے جھاؤ کے درختوں سے ثم جاء بها پھر وہ انہیں لے کر آیا فَأُرْسِلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسے بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اس منبر کو فامر بها پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں حکم دیا فوضعت ها هنا بس اسے یہاں رکھا گیا یعنی بس نبوی میں ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیا پھر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رقیا چڑھے یعنی منبر پر چڑھے
फसल्ला अलैहा, बस उस पर नमाज पढ़ाई, वह कब्बर और तकबीर कही, वह अलैहा, इस हाल में के आप अलैहि सलाम मिम्बर पर थे। तुम्हारा रकअ वह अलैहा, फिर आप अलैहि सलाम ने रुकू किया, इस हाल में के आप उसी पर थे, मिम्बर पर ही रुकू किया। तुम्हारा नज़ल अल कहरा, तुम्हारा नज़ल फिर उतरे, अल कहरा उल्टे पाऊं, कहरा उल्टे पाऊं यानी मिम्बर पर जारी बातें सजदा नहीं हो सकता था, तो किबला रुखी थे और पांव पीछे की तरफ मोड़े, पीछे की तरफ किए, दूसरा पांव भी पीछे की किया, और फिर इसी तरफ जब वो उल्टे पांव चलते हुए इतना यानी मिंबर से पीछे आ गए कि जितना आप मिंबर की जड़ में, मिंबर के यानी जहां जिसके पाए थे, ठीक है ना, तो वहां पर आप सजदा कर सके। नजर पे उतरे, अल्लाह करा उल्टे पांव, सजदा पस आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, असल मिंबर, मिंबर की जड़ में, मिंबर की बुनियाद में, मिंबर की जड़ में, यानी जहां से मिंबर शुरू होता था, उल्टे पांव पीछे हटे और फिर सजदा किया और आपका सर मुबारक जो था वो मिंबर की जड़ में, मिंबर के निचले हिस्से तक आकर पहुंचा। तुम आदर, फिर आप अलैहिस्सलाम लौटे, यानी दोबारा से इसी तरह मिंबर पर चढ़े, मिंबर पर क़याम किया, मिंबर पर रुकू किया, फिर दोबारा से वापस पलटे और मिंबर की जड़ में सजदा किया। फलम्मा फरग, बस फारिग हुए, अकबल अन्नास, लोगों पर मुतवज्जे हुए, फकाल, बस फरमाया, या अय्युह अन्नास, ए लोगो, इन्नमा सनअतु हादा, बेशक मैंने ये किया, यानी मिंबर पर खड़े होकर नमाज इसलिए पढ़ाई, लितअतम्मु बी, ताकि तुम मेरी इख्तिदा करो, यानी मुझे जैसे नमाज पढ़ते हुए देखते हो इसी तरह नमाज पढ़ो, वलितअलमू सलाती, या वलितअलमू सलाती, और ताकि तुम मेरी नमाज सीख लो। सही, और ये कि बाद में जो ये मिंबर था तो मस्जिद नबवी के अंदर तारीख में कई मरतबा आग लगी, तो ये जो मिंबर था वो आग के अंदर चल रहा था। जी, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, पूछा था वो कौन सा था, ताकि तुम मेरी इख्तिदा करो, जिससे हदीस में ना इन्नमा जुअल इमाम वलियुकुम बिही, हाँ, और ये जो आबाद का जो लफ्ज है ना उसकी तरफ लौट रहा है, मिंबर का लफ्ज अगर मुजक्कर है लेकिन आगे जो मोनस के सीगे इस्तेमाल हुए हैं तो आबाद के लिए इस्तेमाल हुए हैं, या अमर अली आबादन अजलिसु अलैहिन, लेकिन अलैहिन का मोनस का सीगा है, आबाद उद की जमा है। अगर मजबूरी हो दावत में ना जा सके तो फिर ये कुछ माजरत कर लें, अगर नहीं जा सकते किसी दावत में, उसका हक है, आप अदा नहीं कर सकते, तो फिर माजरत कर लें, उससे इलाज में समझ नहीं आ गया। मेरा ये गलत मसला है और कुछ दूर का बार का तो लारा मसला है, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना। जी, अकबला आलम नास, लोगों पर मतलब बचे हुए, इसके अलावा जहाँ अगर वहां पर उस इबादत गाह को तोड़कर अगर मिसाल जैसे गैर मुस्लिम मुल्क है और वहां पर गैरुल्लाह की इबादत नहीं हो रही, भले उसकी दीवार जो है वो मुतसर है, उसके अंदर कोई हरज नहीं, जगह अलग होनी जरूरी है, लेकिन वहां पर मूर्तियां वगैरह ना हो, कोई गैरुल्लाह की इबादत ना हो रही हो। अगर वहां पर उनकी जो सलीब वगैरह लगी हुई है वो कोई मूर्ति लगी हुई है, यानी सबके लिए ना वो कि अपने अपने इलाकों जहां देखो उसकी इबादत करो, ठीक है ना, तो ये जायज नहीं है वहां पर। बल्कि यहां तो रमजान में भी ऐसा हुआ था और लोग बड़ा इसके ऊपर फख्र कर रहे थे कि सिखों ने भाई मुसलमानों को इफ्तारी करवाई है और उनकी इबादत गाहों के अंदर, तो वहां पर जाकर नाजायज है। इतना मुंह का माना है तो मेरी इब्तदा करो, मेरी मेहनत करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज की बात इंशाल्लाह, उन मसाइल में जिनमें इख्तिलाफ किया गया हो तो उनमें राजे कौल पर इक्तफा करना, सारे अक़वाल का जिक्र न करना, यानी यह इस किताब की खसूसियात जो है बयान की जा रही है। सादिसन, छठा, अज़्वुल आयात अल-कुरआनियती, कुरानी आयात की निस्बत करना या कुरानी आयात को निस्बत करना, वो तौसीक हुआ और उनकी तौसीक करना और इन आयात
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 11 ہو گئی تھی آیت نمبر 11 جو ہے وہ واقعہ اس کا سبب نزول تھا ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا اس واقعے میں جو ہے وہ بہت سی خیر کے پہلو بھی ہیں چونکہ ہم نے یہ بھی بات ذکر کی تھی کہ دنیا میں اس کائنات میں کوئی شر محض نہیں ہے شر محض بھی اس کا وجود دنیا میں نہیں آخرت میں آخرت میں شر محض ہے اور خیر محض ہے شر محض آخرت میں جہنم کی شکل میں جہنم ایبسولوٹلی ہے اچھا تو اس میں ایک اور یہ بھی ہے لا تحسبوہ شرا لکم کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ اس کے انجام سے پہچانی جائے چیزوں کی حقیقت اس کے انجام سے پہچانی جائے اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا ہے مقصورہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها ٹھیک ہے فی العاقبت اللہم احسن عاقبتنا اللہ انجام ہمارے اچھے کرتے تو ہمیں جو ہے وہ پوری جو واقعہ ہو یا ہمارے ساتھ کوئی بھی ایونٹ ہو ہمیں جزئیات کو نہیں دیکھنا چاہیے وی شوڈ لک ایٹ دا بگر پکچر ٹھیک ہے اس پکچر کو اوپر سے دیکھنا چاہیے انجام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا جو دار و مدار وہ خاتمے پر ہے تو اصل جو ہے وہ انجام میٹر کرتا ہے یہی ہے کہ اگر ہم ایک ایک پوائنٹ میں اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم بہت سارے شر کو پائیں گے کہ یہ بھی پورا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ بھی مصیبت ہو رہی ہے لیکن ہم انجام کا ہمیشہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی پرپز کے لیے ہوگی تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا اور اسی طرح اس آیت میں واللذی تولکب رہو جو ہے وہ شخص جس نے اس بیرا اٹھایا اس واقعے کا وہ کون تھا عبداللہ بن عمر اس کے لیے بڑا عذاب آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں آن لائن اسٹوڈنٹس کو آیت نمبر 12 لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تو ظن المؤمنون تو مومنوں نے گمان کیا والمؤمنات اور مومنات نے بھی گمان کیا یہاں پہ دیکھیں صیغہ چینج ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں التفات لولا اذ سمعتموه مخاطب کا صیغہ ہے سمعتمو سمعتم سمعتا سمعتما سمعتم مخاطب ہے نا سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے نا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا ظن المؤمنون اب صیغہ مخاطب سے غائب ہو گیا ظن المؤمنون سمجھ آ رہی ہے بات اس کو کہتے ہیں التفات بہت زیادہ التفات التفات بہت زیادہ جو بیچارے عربی سے واقف نہیں ہوتے اور اسلام پر تان و تشریح کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں جو ہے نا وہ گرامیٹیکل مسٹیکس یہ اور ایک سینٹینس سٹرکچرل مسٹیک ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ التفات کی کیا فوائد ہے التفات کا کیا فوائد ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو تنبیہ فوکس لینا تنبیہ خبردار کرنا اور اب دیکھیں یہاں پہ ظن اگر یہ کہتے ہیں لو لا سمعتموہ ظننتم تو اگر تم کیوں نہیں ہوا ایسا کہ تم نے جب یہ سنا تو تم نے یہ گمان کیا اب یہاں پہ مومنون کا اگر لفظ نہیں آتا تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے ظن المؤمنون اگر مومن واقعی ہوتے تو اچھا گمان رکھتے یہ حکم نہیں آتا سامنے ٹھیک ہے اگر اس کو جو ہے وہ یہاں پہ مومنون حذف کر دیتے تو یہاں پہ جو ہے وہ اسم ظاہر آ گیا یعنی غائب کا صیغہ آ گیا ظن المؤمنون والمؤمنات ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا یہ واقعہ عفق کے بارے میں تو مومنوں نے مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے یہ گمان کیا بے انفسہم اپنے آپ کے بارے میں خیرا ہے ظن فعل ہے المؤمنون فاعل ہے معطوف ہے اور مومنات معطوف
इसका जो है वो इराब में मोमिनून का ही आ रहा है, यानी इस पर भी रफी हालत है, बेअनफुसिन जार मजरूर है, खैर जो है मफूल भी ही है जन्ना का, तो जन्नल मोमिनून अवल मोमिनात बेअनफुसिन खैर वकालू हाजा इफ्कुन मुबीन, और ये कहते कि ये वाज़े बहतान सरी बहतान है जी। जन्ना जन्ना फाइल कुलूब में से चाहता है, कभी नहीं भी हो सकता होगा, जरूरी नहीं। हाँ यही है ना, देखे ना बेहन हुसैन क्या है, जार मजरूर है, लेकिन महल क्या है ये, यानी अगर बाप यूं कर दे हज़फ कर दे तो यूं है ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनाती वल मुमिनातु अनफुसहुम खैरा, यानी मोमिन मर्दों ने अपने नफ्स के बारे में खैर का गुमान किया। अच्छा जन जो है वो कुरान में कई मानों में आता है, इसको जरा नोट करें, जन जो है वो कुरान में कई मानों में आता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने पीछे कुछ ऐसा लफ्ज पढ़ा था जो एक से दो मानों में आता है, जैसे कि निकाह जानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानिन अव मुशरिक, ठीक है हाँ निकाह और जिमा के माने, तो ये जो है ना ये चीजें नोट किया करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहीं कुछ कुछ को और माना देते तो माना खराब हो जाता सारा। अब जन जो है वो कुरान में कई मानों में आता है, जन यकीन के माने में भी आता है, यकीन के माने में, यकीन जन यकीन के माने में الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليهم الیہ راجعون, के मोमिन वो लोग जो जन यظنون वो जन करते हैं, यानी यकीन रखते हैं कि वो अपने रब के यहां लौटने वाले हैं, तो यहाँ पे जन पे माना गुमान नहीं ले सकते बल्कि यकीन ही है, ठीक है, किसी को अपने अकीदे में गुमान है तो वो काफिर है, किसी को अपने अकीदे में गुमान है तो वो काफिर है, यकीन शर्त है। इसी तरह जन जो है वो जन गालिब के माने में भी आता है, जो यहाँ पे हम ले सकते हैं जन गालिब गुमान गालिब जो यहाँ पे माने। इसी तरह जन जो है वो वहम के माने में भी आता है, वहम के माने जिसको हम कहते हैं ना मिथ या वहम, इसके माने में भी आता है, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, यानी काफिर तो ये बस वहम परस्ती के शिकार है, जन कर रहे हैं फिजूल में बस अटकल पिचकू रैंडम बातें कर रहे हैं, तो वहां पे गुमान वहां पे जो है वो वहम के बारे माने में। लव लाइ समय तुम हो तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने इसके बारे में सुना तो जन अल मुमिनून, तो मुमिनों ने गुमान किया और मुमिनात ने गुमान किया बे अनफुसिहिम अपने बारे में, तो अपनी तो बात ही नहीं, बात किसकी हो रही है, आयशा की बात हो रही है ना, आयशा की बात हो रही है, लेकिन जो कि उम्मत उम्मत मुस्लिमा की वो माँ है, माँ माँ पर जब बहतान लगता है तो तकलीफ हमें होती है, इसलिए बे अनफुसिहिम, यानी तुमने अपने आप के बारे में, अपने तुम्हारी माँ थी तुम अपने बारे में ही सोच लेते, तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं हुई जब तुम्हारी माँ पर बहतान लगा, तो ठीक है, तो बे अनफुसिहिम इस माने में भी है, जैसे कि अहले किताब के बारे में भी आता है ना ला तक्तुलू अनफुसकुम, यानी अल्लाह ताला ने अहले किताब से अहद दिया था कि तुम अपने आप को कत्ल नहीं करोगे, हालांकि अहले किताब अपने आप को कत्ल नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को कत्ल कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो, तो क्योंकि मोमिन जो है वो आपस में एक दूसरे के भाई की तरह होते हैं, तो लिहाजा अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो गोया कि अपने नफ्स को तकलीफ पहुंचती है, तो ये कहते थे कि भाई ये हाजा इफ्कु मुबीन, ये तो वाज़े सरी बहतान था, क्योंकि ये तो दिन की रोशनी में सफ़वान और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर कोई ऐसा काम किया होता तो तुम्हारे सामने थोड़ी आते, छुपके से आते, सबके सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर जो है वो तुम्हें ये करना चाहिए था। तो क्यों ना लाइए इस पर, यानी इस बहतान पर बेअरबाअति शुहदा, चार गवाह, अगर ये वाकई दावा कर रहे हैं तो चार गवाह ले, क्यों नहीं लाए, ये निसाब है शहादत का, यानी अगर कोई किसी मर्द या औरत पर जिना की तोहमत लगाई, इल्जाम लगाए, तो उसे चार गवाह लाना जरूरी है। पर इस लम यक्तुब शुहदा, बस जब ये नहीं ले आए गवाहों को, फउलाइका इंदल्लाही हुमुल काज़िबून, तो बस ये लोग इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ हुमुल काज़िबून यही है झूठे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है ये सच कह रहे हो, गवाह नहीं लाया ना, हो सकता है उन्होंने देखा हो, गवाह नहीं लाया, तो फी नफ्सिल अमर, हकीकत में हो सकता है ये सच्चे हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये झूठे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म में झूठे हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक झूठे हैं, अल्लाह को तो पता है कि सच्चे हैं नहीं है, अल्लाह को पता है कि ये लोग सच्चे हैं या झूठे, तो इन दल्ला का मतलब इन द हुक्म अल्लाह,
وعند دین اللہ, اللہ کے دین کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق یہ جھوٹے ہیں, ورنہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر تین گواہ لے آئے یا دو لے آئے یا ایک لے آئے یا نہ لے آئے, یہ اللہ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں, ان کو جھوٹا ٹریٹ کیا جائے گا. حقیقت میں اگرچہ سچے ہوں لیکن دین کے معاملات میں ان کو جھوٹا ہی ٹریٹ کیا جائے گا, اور اوپر سے پڑے گی حد قذف لگائی جائے گی. ہاں یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا, یہ جو سوال ہے کہ یہاں پہ شہادت جو ہے وہ چار مردوں کی ہے, جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ چار مردوں کی, چونکہ یہاں پہ بے اربعاتی ہے نا, اب جب عدد محدود کی قواعد پڑھیں کہ جب عدد مذکر ہوتی ہے تو محدود مؤنث ہوتی ہے, یہاں پہ عدد کیا ہے مؤنث ہے, تو محدود مذکر, یعنی چار گواہ مرد میں سے ہوں گے, عورتوں کی گواہی یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے. حدود میں, حدود میں عورتوں کی گواہی چاہے وہ پانچ عورتیں آ جائیں قابل قبول نہیں. مالی معاملات میں, فائنینشیل ٹرانزیکشن میں, قرض لین دین میں عورتوں کی گواہی مرد کی آدھی ہے, عورتوں کی گواہی مرد کی آدھی ہے. ایسے معاملات جس میں صرف عورتوں کے ہی ایشوز ہوتے ہیں, رضاعت کے مسائل, اس میں ایک عورت کی گواہی ہزار مرد پہ بھاری ہے. یہ شریعت کا عدل ہے, جو اکوالٹی کے نعرے لگاتے ہیں نا, شریعت میں اکوالٹی نہیں ہے, اکوالٹی نہیں ہے, جسٹس ہے, جہاں پہ جو لائق مقام ہے وہ دیا جاتا ہے. تو کہیں عورت کی گواہی مرد سے اوپر ہے, کہیں عورت کی گواہی مرد کے نصف ہے, کہیں عورت کی گواہی ہے نہیں, کنسیڈر ہی نہیں کیا. ٹھیک, اس کی کیا حکمت ہے, میرا یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا, ہم اس میں نہیں جاتے. تو جمہور اہل علم جو ہے وہ حدود میں عورت کی گواہی کو کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ چار گواہ لانا جو ضروری ہے, ورنہ حد قذف لگے گی. اگلی آیت, ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. ولولا, اور اگر نہ ہوتا, فضل الله, اللہ کا فضل, علیکم, تم پر, ورحمته, اور اللہ کی رحمت, فی الدنیا, دنیا میں, والاخره, اور آخرت میں, لمسكم, تو تمہیں چھو لیتی, پہنچ جاتی, فیما افضتم, جو تم جس میں پڑے, فی ما افضتم, یہ ما جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ما موصولہ, ای فی الذی افضتم, جس میں تم پڑھے, جس میں تم بحث مباحثے میں پڑھے, فی ہی عذاب عظیم, تو کیا پہنچ جاتا, یہ لمسکم, مسکم کا فائل ہے, عذاب یہ فائل ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, تو تمہیں پہنچتا, کیا پہنچتا, عذاب عظیم, بڑا عذاب. یہ جواب ہے لمسکم, دیکھیں جواب پہ لام آیا نا, یہ جواب ہے لولا کا, لولا کا جواب ہے, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو موخر کر دیا, تو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اگر, یعنی جو مطلب تمہیں حد قذف لگا کے فارغ کر دیا, ورنہ تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ, تمہیں فوراً بڑا عذاب آ جاتا, تم یہ باتیں جو ہے وہ منتقل کر رہے تھے آگے. جی افس تم, یعنی جس معاملے میں تم پڑھے غور و خوض کیا, اگلی آیت, اس تلقونہ بالسنتکم, جب تم تلقونہ, تلقا یا تلقا, تلقا کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لینا, آپ نے سنا ہوگا نا بخاری اور مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے, سنا یہ جملہ آپ نے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے, یہ علماء کے منہ سے آپ نے سنا نہیں. اچھا, تلقی بالقبول یعنی ہاتھوں ہاتھ لینا, امت مسلمہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو لیا ہے, تو تلقا کا معنی ہے کیا ہے, ہاتھوں ہاتھ لینا, قبول کرنا. تو جب تم اس طلب کو نہ ہو, جب تم اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے, کس کو لے رہے تھے, اس بات کو, اس بہتان کو, بِأَلْسِنَتِكُمْ, اپنی زبانوں سے, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاہِكُمْ, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, کہتے تو منہ سے ہی ہیں, کیا مقصد ہے یہاں پہ, لولا کا جواب جی ہاں لمسکم, جی سوال کیا تھا میرا, ہاں مطلب یہ اس طلب کا ہوں بیعت سے نہ دیکھوں, جب تم لے رہے تھے اسے ہاتھوں ہاتھ اپنی زبانوں سے, یعنی تم بس فاسٹ فارورڈنگ کر رہے تھے, یہاں سے لیا آگے منتقل,
ठीक है, जैसे कि आज व्हाट्सएप पे होता है, वह तकुलूना भी अफवाहिकुम, और तुम कह रहे थे अपने मुंहों से, तो ये बात तो पता है ना कि मुंहों से ही बात की जाती है। तो माना यहाँ पे ये है कि तुम अपने मुंहों से कह रहे थे, यानी तुम्हें अपने दिल में खुद इसके भी यकीन नहीं था, बस ऐसी फैला हुई बात, ऐसी बातें सरफेस लेवल पे फैला है, जिसका मां नहीं सरकुम भी, जिसका तुम्हें कोई भी इल्म नहीं था। इल्म जो है यहाँ पे नकरा आया, नकरा नफी के सियाक में उमूम का फायदा देता है, यानी थोड़ा भी इल्म नहीं था तुम्हें, थोड़ा भी इल्म नहीं था, और तुम आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर। وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا, और तुम इसे समझ रहे थे हल्का, तुम इसे लाइट ले रहे थे। وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक मोमिना औरत, एक मोमिन मर्द, उसकी इज्जत के साथ खेलना, उसकी बातें बनाना तुम्हें हल्का लगता है, अल्लाह के यहाँ बड़ा है। और अल्लाह की रहमत नहीं होती तो तुम्हें अज़ाब पहुंच जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर। आज हम अपने माशरे में देखें कितनी गंदगी फैली हुई है, कोई भी किसी का फैमिली मैटर होता है उठ के खड़ा हो जाता है, और फिर बस यहाँ से वहां जो है वो हाल में ही आमिर लियाकत का पता नहीं किस किस के जो है वो मसाइल। अच्छा, दीनदार लोग भी जो है वो उसकी वीडियोस जो है वो आगे दे रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, क्यों इस तरह की हरकतों में इंसान पड़ा हुआ है। बस आजकल यही रह गए, यही खेल तमाशे लोगों के, टाइम तो बहुत है वैसे भी लोगों के पास, यही करना है। तो यानी ये किसी किसी पर बहतान लगाना इस तरह से, ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम हल्का ले लेते हैं, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी होती है। अल्लाह के नबी शासन की हदीस भी है कि एक शख्स जो है वो ऐसा कलमा बोल जाता है, ऐसा कलमा एक शख्स बोल जाता है ला यल्का बिहा बाद, कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता, बस बोल देता है, मुंह से निकाल देता है, और वो जहन्नम के दर्जात में गिरता जाता है। एक हदीस में इतना गिरता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है, इतना जहन्नम में नीचे जा गिरता है। अगर ऐसा शख्स ऐसी भी बात कह दे, जबान से ही बात, जबान की हिफाजत जो है ना, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जबान को पकड़ के कहा करते थे ये जो चीज ना मरवा देगी। इंसान जो है वो नमाज रोजे ये सब करता है, अच्छी बात है, इसके जरिए इन चीजों को बर्बाद ना करें, ये छोटी सी जो चीज है ना बहुत खतरनाक है। हम बोल देते हैं और खास तौर पर अवाम तो अवाम, आज हम जो उलमा के पीछे पड़े हुए हैं लोग, और मतलब अवाम की बातें मुंतकिल करना और आपस में एक दूसरे को बताना और उलमा की बातें बताना, जमीन आसमान में फर्क है, ठीक है। जैसे कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में ये बातें करना, ये अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम है। हम जो है वो उलमा पर तान उदशनी और उसको बात फैला देना, ये किया वो किया, लोग इससे मजे ले रहे होते हैं, बहरहाल अल्लाह तआला के यहाँ ये बहुत ही बड़ी चीज है। इंसान नहीं जानता कि इंसान अगर ऐसी बातें कर ले तो पता नहीं वो जहन्नम में कहाँ तक गिर गया। अच्छा, इसमें आगे आ रहा है, इसमें ये नहीं कि अगर किसी ने बात कर ली तो आपने खामोश भी नहीं रहना। यहाँ पे एक कदम सिखाया गया, वो क्या है, पिछली आयत, सॉरी आयत नंबर 12 में एक कदम सिखाया गया कि अगर तुमने ऐसी कोई मोमिन मर्द और औरत के बारे में बातें सुनी है तो तुम्हें चाहिए क्या कि अच्छा गुमान रखें, क्योंकि मोमिन बाय डिफॉल्ट उसके साथ हुस्न ज़न रखना है, ठीक है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, ये इस्लाम का कायदा है। तो अच्छा गुमान रखना पहला, और दूसरा ये कि खामोश नहीं रहना, खामोश नहीं रहना, क्योंकि वो अगली आयत में आ रहा है। जी आप सवाल, बुराई इतनी बड़ी नहीं होती इसको फैला के बड़ा किया जाता है। आगे आएगा कि है ना वो कौन सी आया था, इन लदीन यहुबून अन तशिया, फाइन उस पर इंशाल्लाह ही बात करेंगे, याद दिलाना उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी हाँ, अगर किसी शख्स में बिदत पाई जाती है तो उसके बारे में आगे किया जा सकता है, या अगर दीन के बारे में कोई खराबी पाई जाती है तो उसको लोगों से आगाह किया जा सकता है। अगर उसे पब्लिक में कोई बिदत फैलाई है तो पब्लिक में ही उससे आगाह किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप उसको प्राइवेट में नसीहत करें, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत फिक्र फैलाई है तो उसको आप प्राइवेट में नसीहत करें, नहीं गलत तरीका है, उसने पब्लिक में की है तो हम भी पब्लिक में उसको नसीहत करेंगे, क्योंकि आवाम को तो नहीं पता ना कि हम पब्लिक में, अगर हमने प्राइवेट में नसीहत कर दी तो आवाम की इसलाह कैसे होगी, आवाम तो गलत मौका लेके बैठ जाएगी। लिहाजा पब्लिक में लोग समझते नहीं इस बात, जो कहते हैं तुम पब्लिक में लोगों की गिबत कर रहे हो, नहीं गिबत नहीं होती है। हाँ, अगर उसका जाती कोई मसला, उसने जाती कोई गुनाह किया
फिक्र या थॉट की बात नहीं हो रही, जाती कोई गुनाह किया है तो फिर प्राइवेट में उसको करना जरूरी है, उसको पब्लिक नहीं करना, पब्लिक करना हराम है। वलौला इस समय तुमहु कुलतु मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाजा, और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने इसको सुना यानी इस बहतान को, कुलतु तो तुमने ये, तुम ये कह देते, मा यकूनु लना कि नहीं है हमारे लायक, अन नतकल्लम बिहाजा कि हम ये इस बारे में कोई बात करें, सुभानक ऐ अल्लाह तू पाक है, हाजा ये बहतान अज़ीम बहुत बड़ा बहतान है। आयत नंबर 12 उसमें अदब क्या बताया गया कि जब तुम कोई बहतान सुनो तो अच्छा गुमान करो, यहाँ पे क्या बताया गया कि जब तुम कोई ऐसी बात सुनो तो क्या करो, अन्नतकल्लम बिहाजा, लायक नहीं है कि हम इस बहतान के बारे में मजीद कोई बात करें, बल्कि हम नफी करें, खामोश नहीं रहे, नफी करें, हाजा बहतान अज़ीम, ये तो बहतान है, तुम बात करो, बहतान है। तो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रूलिंग किया कि किसी मर्द और मोमिन, मर्द मोमिन या मोमिना के बारे में बात की जाए, उसकी इज्जत के बारे में, तो डिफॉल्ट क्या है, बहतान अज़ीम गलत और अच्छा गुमान है, इल्ला ये कि प्रूफ हो जाए और वो खुले आम शुरू हो जाए, जुर्रत के साथ गुनाह करना शुरू हो जाए, तो फिर उसको पकड़ के जब आगे की तरफ ले जाए। तो एक तो ये कि आपने इस बहतान में कुछ बात नहीं करनी और दूसरा इसकी नफी करनी है। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो खामोश थे, हम तो खामोश थे, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि आपने नफी करनी है, ठीक है, नफी करनी है, तब आप इससे आजाद होंगे, वरना इसमें शरीक समझे जाएंगे, सिर्फ खामोश भी नहीं होना। जी भाई ऑनलाइन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक इस्तेमाल किया करें क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि क्या बात चल रही है या क्या क्वेश्चन है, वो माइक इस्तेमाल किया करें, ठीक है। चलो अगली आए, याइज़ुकुम अल्लाहु अन तअऊदू, याइज़ुकुम अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, वाइज़ो नसीहत करता है, याइज़ुकुम अय यनहाकुम, यनहाकुम अल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है कि अन तअऊदू कि तुम दोबारा से लौटो, लिमिस्ली इस जैसे काम में, अबदन कभी भी, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो इस नसीहत को फौरन कबूल करो और फौरन रुक जाओगे, मतलब मोमिन के ईमान का तकाजा ये है कि अगर से कोई गलती हो जाए, कुरान और हदीस आ जाए तो फौरन से वो जो है वो रुक जाए और गलत गलती से जो है वो रुजू करे। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुम अल-आयात, अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए आयातें, वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, हकीम खूब हिकमत वाला है, अलीम फईल के वजन पर, फईल जो है वो इसम मुबालगा है, इसम मुबालगा है, पता है इसम मुबालगा क्या होता है, क्या होता है, जिसमें मस्दर माना ज्यादा पाया जाए, जिसमें माने की ज्यादती हो, जिसमें माने की ज्यादती हो, जैसे कि अलीम असल में इसम फाइल क्या होता है, आलिम होता है, तो फईल के वजन पर क्या हो गया, अलीम, बहुत ज्यादा जाने वाला है, इल्म की ज्यादती मुराद है, ठीक है, इसी तरह हकीम बहुत ज्यादा हिकमत वाला, और हकीम जो है वो हाकिम से भी, यानी हुक्म देने वाला, मुहकम हुक्म, मजबूत हुक्म देने वाला। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात बयान करता है, युबय्यिन बय्यिन युबय्यिन अल्लाह लकुम अल-आयात, अल आयाती, ये क्या वाक्य हो रहा है जुमले में, इराब के रूप में, ये मुकम्मल भी है, मफूल भी है, लेकिन इसके ऊपर ज़ेर क्यों आ रहा है, मफूल में तो फतह आता है, तो युबय्यिनु जो है ये फेर है, अल्लाह लफ्ज़ जलाला फाइल है, और लकुम जार मजरूर है जो कि युबय्यिन के मुतालिक है, और अल आयात जो है मफूल भी है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात खोल के बयान करता है, क्या मतलब है इसका, अल्लाह ताला वाजे करता है, ठीक है, वाजे करके तुम्हें ये बयान कर रहा है ताकि तुम गुमराह ना हो, और आयात जो है वो आयात दो मानों में आती है कुरान में, एक आयात उफ़ुकिया होती है जो नेचुरल साइंस है, इनको आयात कौनिया कहते हैं, और एक आयात कुरान की आयात होती है, आयात शरईया कहते हैं, ठीक है, तो आयात जो होती है ना, असल में आयत कहते हैं निशानी, तो ये आयत निशानी है किस पर, अल्लाह, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की वहदानियत पर,
अल्लाह के आसमान सिफात पर, अल्लाह की मारिफत पर, आयात कौनिया हो या आयात शरिया हो, ये निशानी है किस पर? अल्लाह की मारिफत पर, अल्लाह के तौहीद पर वगैरह। यानी इन अहकामात के जरिए हमें पता चलता है कि ये शरीयत जो है वो कोई इंसान बनाई हुई नहीं है, माइंड ब्लोइंग शरीयत है, ये इंसान नहीं बना सकता ऐसी शरीयत, ये माइंड ब्लोइंग है, इसको कहते हैं महासिक शरिया। ठीक है, तो यानी जब इंसान वाकई शरीयत इन अहकामात पर गौर फिक्र करेगा तो ये निशानी है कि अल्लाह की तरफ से, ये मतलब है युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल के आयात बयान करता है, और ये कुरान की हर हर आयत जो है वो अल्लाह की मार्फत पर दलील है। इसी तरह नेचुरल साइंस जैसे हर हर आयत कौनिया अल्लाह की पे दलील है। वजीया मुत्तर आपका कैमरा ऑन है। अगला, इन الذين يحبون ان تشيع الفاحشه, और वो लोग बेशक वो लोग जो ये मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं कि ان تشيع के फैल जाए, अल्फाहिशतु फहाशी, फहाशी कहते हैं बहुत गंदा बुरा काम, फिर लदीन आमनू, उन लोगों में जो ईमान लाए, लहुम उनके लिए है, किन लोगों के लिए, जो पसंद करते हैं उन लोगों के लिए, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरा और आखिरत में भी, वल्लाहु यालमु वा अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला इल्म रखता है तुम इल्म नहीं रखते। आयत में देखें ये नहीं है कि वो लोग जो फहाशी करते हैं या वो लोग जो फहाशी फैलाते हैं, ये दोनों नहीं है, जो पसंद करते हैं तो लिहाजा जो फैलाते हैं उनके बारे में क्या क्या हुक्म होगा और जो करते हैं उनके बारे में क्या होगा। फहाशी प्राइवेटली कर लेना ये हल्का है उससे कि कोई और फहाशी करे और आप उसको फैला रहे, क्यों? क्योंकि देखें जब फहाशी फहाशी जब फैलती है तो ये लोगों को डिसेंसिटाइज करती है, यानी उसको क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइज करती है, उसको गैर हसास बना देती है, हसासियत खत्म कर देती है। गुनाह की हसासियत अगर खत्म करनी है तो छोटे छोटे डोजेस देखिए मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, वो बातें करते रहो। आप देखिए जो सूदी बैंकिंग सिस्टम से हमारा, किसी को बैंक जाते हुए ख्याल भी आता है कि ये वो इदारा है जो अल्लाह से चक्कर है। अगर चाहिए जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे जाके फटना शुरू हो जाए, ठीक नहीं कह रहा, अभी तो आजकल की जरूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी गुनाह की जो है, किसी को ये यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि ये इतना खतरनाक गुनाह हो रहा है, ये अल्लाह से जंग हो रही है, अल्लाह उसके रसूल से जंग हो रही है, फैल गया ना, ये फैल गया, मुसलमान डिसेंसिटाइज हो गए। इस तरह मजारात का हम देखो, मजारात फैल गए, मतलब हमें ये इतनी तौहीद होनी चाहिए कि हम जब मजारात के पास से गुजरे तो दिल तंग होना शुरू करें, जब ये नहीं कहते पैदा हो रही तो तौहीद बार बार पढ़ो, क्यों नहीं हो रही ये चीज, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये जब बाजार के आगे से गुजरे तो दिल तंग हो जाए, उसको देख के सीना तंग हो जाए, घुटन महसूस हो। तो बताइए राधा कि जब यानी फहाशी को, ये फहाशी फैलने गई, इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने चार, इतनी शहादत का जो हिसाब रखा है बड़ा सख्त है, चार गवाह, और अहले इल्म फरमाते हैं ये चार गवाही वाले, चार गवाही से हद अभी तक कायम हुई नहीं, शुरू से लेकर अभी तक इतनी सख्त निसाब है कि चार गवाह औरत को और मर्द को उस वो एक्ट करते हुए बेआईनी देख लें, ये शुरू दौर से अभी तक साबित हुई नहीं, यानी हद इस बुनियाद पर कायम हुई नहीं, हद इकरार की बुनियाद पर कायम हुई, जैसे नबी शासन के दौर में इकरार हद कायम दो तरीके से होगी ना, या तो इकरार कर ले जाने कि मैंने किया है तो फिर हद कायम हो जाए, या फिर चार गवाह ले आए, तो चार गवाह इतनी सख्त है, और क्या वजह है इतनी सख्त, हालांकि जुर्म बड़ा है, जिना का जुर्म बड़ा है, लेकिन अगर प्राइवेट स्फेयर में हो रहा है तो फिर जो है वो अल्लाह ताला ये अगरचे ये हुआ है, अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि ये जो है ये अगरचे हुआ है लेकिन ये फैले, इसकी खबर फैले, अब कोई भी बात करते हुए डरेगा ना कि भाई मुझे कोड़े ना लगते, ठीक है, तो उसका मतलब है अगरचे फहाशी कहीं हुई है उसकी खबर फैलाना कितना भयानक जोर है। अब हम देखें आजकल हम क्या करते हैं सोशल मीडिया के साथ, लोगों से बता, लोगों से कहते हैं भाई तुम क्यों फैला दो, कह रहे हैं भाई ये तो हुआ है, भाई तो हुआ है तो ही तो मना किया है, चार गवाह लाओ तुम, इस्लामी हुकूमत की वरना कोड़े पड़ते, लोग वीडियोस फैला रहे हैं, क्या क्या फैला रहे हैं, बहरहाल बड़ा अजीब माहौल है।
ये डिसेंसिटाइज किया जाता है उसको, ठीक है। तो ये हर माशरे में ऐसा ही रहा है, और आप देखें यहाँ पे जो जितने भी ये औरत मार्च में और LGBTQ वगैरह, इसको भी इसी तरीके से डिसेंसिटाइज किया जाता है। हल्का हल्का डोज देके हर साल जो है वो थोड़ा थोड़ा डोज दिया, लोगों ने सुना, लोग सुन सुन के आदि होना शुरू हो गए, और ये गुनाह लोगों को हल्का महसूस होने लगा। जब लोग गुनाह हल्का महसूस करेंगे तो फिर ये सवाल होंगे इतनी सख्त सजाएं क्यों है, लिहाजा रजम का इनकार कर दो, लिहाजा हुदूद का इनकार कर दो, इस तरह की बातें होंगी। तो वो लोग जो पसंद करते हैं वो लोग जो फैलाते हैं वो इससे बढ़कर है, लेकिन वो लोग जो प्राइवेटली करते थे वो इनसे कमतर है। समझ में आ रहा है दर्जा? वो जो प्राइवेटली कर लेते हैं वो इनसे कम है, लेकिन वो लोग जो फैलाते हैं वो इस आयत में जो मेंशन है उनसे ज्यादा है, लेकिन वो लोग जो पसंद करते हैं ये भी एक भयानक जुर्म है। तो वो लोग जो पसंद करते हैं कि पसंद कौन करता है? जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है कि फैल जाए फाहिशा। ये जो फाहिशा है ये मरफू है, ये तशिया का फाइल है। फिल लदीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में हद गज़ब है, क्या अल्लाह ताला उसको दूसरी सजा दे सकता है कोई मुसीबत की फॉर्म में? वल आखिरत, और आखिरत में भी उसके लिए अजाब है। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला जानता है कि ये गुनाह को थोड़ा सा खबर, इस गुनाह की खबर आम करने में क्या क्या मफासिद है, क्या क्या बुराइयां है, तुम नहीं जानते। तुम तो बस ये कह रहे हो कि भाई सच्ची, तो मैं कह रहा हूँ सच्ची खबर फैला रहा हूँ। तो भाई ये शेयर करने का दौर है, आज यहाँ से वीडियो आती है एक बटन के फासले पर वो आगे शेयर भी हो जाती है, और वो जब शेयर होती है तो वो एक बंदे पर नहीं होती, वो सैकड़ों लोगों पर होती है। सबका गुनाह आप बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं तो फिर शेयर किया करें ऐसी चीजें, वरना खामोश रहें, बल्कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें ताकि ये चीजें आपके उसमें आए नहीं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाहा रऊफुर रहीम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, वह रहमत हो और उसकी रहमत ना होती तो क्या होता, जवाब मंजूफ है, तो तुम्हें इस दुनिया में ही अजाब आ जाता इस बुनियाद पर कि तुम फाशी को फैला रहे हो, इतना भयानक जुर्म कर रहे हो। वह अल्लाहु रऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा शफकत करने वाला है, रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। या अय्युहल लदीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ लोगों जो ईमान लाए, जब मुनादा पे अलिफ लाम आता है ना तो अय्युहा आ जाता है, ठीक है, क्यों नहीं कह सकते यर रजुल, क्या कहेंगे या अय्युहर रजुल। मुनादा पे अगर अलिफ लाम ना हो तो फिर या रजुल कह सकते हैं, लेकिन अगर मुनादा पे अलिफ लाम आ जाए तो फिर अय्युहा आएगा, या अय्युहल लदी जी, या अय्युहल लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, ऐ लोगों जो ईमान लाए, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, अल्लाह ताला देख रहे हैं आप किस तरह से ईमान वालों को मुखातिब फरमा रहे हैं, क्या ईमान वालों, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान के तकाजे हैं जो तुम्हें पूरे करने हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, तुम शैतान के खुतुवात की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। खुतुवात जो है वो क्या वाकई हो रहा है यहाँ पे नहवी तरकीब में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लगता है नहव नहीं आ रही है, वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। जी हाँ, मफूल मफूल है, किसका मफूल है, तत्तबिउ होगा, क्योंकि ये भी जमा मुअन्नस सालिम है, इसलिए इसका जर जो है वो कसरा दिखाता है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के खुतुवात की पैरवी ना करो, उसका मतलब ये होगा कि शैतान के स्टेप्स होते हैं, खुतुवात होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, शैतान एक ही स्टेप पे नहीं रुक जाता, शैतान आगे बढ़ता रहता है। तो अगर तुम शैतान को फॉलो करोगे तो वो तुम्हें आगे स्टेप्स पे चलाता रहेगा और तुम चढ़ते जाओगे, तभी खुतुवात शैतान, जो शख्स शैतान के कदमों की पैरवी करेगा, फइन्नहु, तो बस बेशक वो शैतान जो है, या अमुरु बिल फहशा, वो तो फाशी का हुक्म देता है, वल मुनकर, और मुनकर कामों का हुक्म देता है, बुराई का, यानी फांसी बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। मुनकर को मुनकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान का दिल उसका इनकार करता है, अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर गुनाहों से गुनाहों का इनकार और रेजिस्टेंस रखी हुई है, अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर गुनाहों की रेजिस्टेंस इंसान की फितरत में रखी हुई है, ठीक है, उसको एक रेजिस्टेंस फील होती है गुनाह में करने में, ठीक है। अगर ये फितरी तौर पर गुनाह का इनकार और गुनाह मुनकर ना लगे तो इंसान की फितरत में फसाद आ चुका होता है,
और ये दिल मुर्दा होने की निशानी थी। इसलिए आप देखें काफिर जो अल्लाह को नहीं भी मानता वो भी कहता झूठ अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, वो उसको मुनकर जानता है। तो बेशक शैतान जो है वो तो हुक्म देता है, हुक्म देता है मतलब हुक्म का क्या मतलब है, हुक्म देता है शैतान वसवसे डालता है, हुक्म ये माना है। और शैतान की शरीयत ही है, शैतान शरीयत एतबार से हुक्म देता है। तो अगर जो शैतान की पैरवी कर रहा है वो शैतान की शरीयत पर वो चल रहा है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, अल्लाह की रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो वो तुम में से किसी को भी कभी भी पाक नहीं करता, तज़किया नहीं करता, पाक नहीं करता यानी गुनाहों से। और यानी अगर तुम में से कोई इस बहतान में शरीक नहीं हुआ तो ये तुम्हारा फजल नहीं है, ये अल्लाह का खास फजल अल्लाह की तौफीक है। तो लिहाजा ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई कि मैं दीन पे आ गया, अल्लाह को पता नहीं कौन सी मेरी नेकी पसंद आ गई कि मुझे ताज्जुद की तौफीक मिल गई, डेंजरस स्टेटमेंट है। यानी इंसान अपने आप से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो ये कह रहा है कि अभी भी अल्लाह को कुछ मेरे अंदर पसंद आया तभी अल्लाह मुझे दीन की तौफीक दे रहा है, ऐसा ना कहें। ये हम तज़किया ये अगर अल्लाह की खास तौफीक और फजल ना होता, ये अल्लाह का खास फजल है कि इंसान तहज्जुद पढ़ लेता है या रोजे रख लेता है या नमाज पढ़ लेता है, ये आगे इल्म तालुक के आगे बैठ जाता है, ये अल्लाह का खास फजल है। जब इंसान इस चीज को पहचानेगा ना तो जो लोग ये नहीं करेगा उनको हकीर नहीं जानेगा, उनको हकीर नहीं जानेगा, जो गुनहगार है उसको हकीर नहीं जानना, उसको दावत देनी, उसको दावत देनी, अल्लाह की गैरत रखनी, लेकिन हकीर नहीं जानना कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जहन्नम ही है, ये तो जहन्नम में जाएगा, हकीर नहीं जानना। तो लिहाजा अपना तज़किया नहीं करना कोई, अगर ये अल्लाह ही है जो तज़किया करता है। अच्छा एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलाहा मन तज़क्का, और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह शम्स व दुहाहा में क्या है, कद अफलाहा मन ज़क्का, कद अफलाहा मन तज़क्का, ये सूरह आलम है, कद अफलाहा मन ज़क्का के पाक, कद अफलाहा कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया। अब वहां पर यह पता चला कि इंसान अपना तज़किया खुद करता है, और यहाँ भी पता चल रहा है कि कोई भी वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह ही जिसे चाहता है उसको पाक करता है, यानी उसे उसे तौफीक देता है गुनाहों से बचने की और नेक काम करने की। तो कैसे उसको रिकंसाइल करेंगे, वहां पे पता चला कि इंसान अपना तज़किया खुद करता है, यहाँ पे है कि अल्लाह ही जैसे जिसका चाहे तज़किया करता है। शिरस का मतलब ये होगा कि मतलब जिसने अपना नफ्स का तज़किया कर लिया, मींस कि उसने नेकी की तरफ नेक काम किए तो फिर अल्लाह ताला ने उसका नफ्स पाक किया ना, तो फर्श नेकी भी जो की वो उसने नहीं की, वो अल्लाह की तौफीक से ही हुई है, तो असल तो अल्लाह की तौफीक हुई है। ये आसान सी बात है कि हर नेकी की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से मिलती है, हर तज़किया अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान फेल खुद करता है, फेल इंसान सबब खुद बनता है, ठीक है, तो अल्लाह ही की तौफीक होती है, लेकिन अमलन इंसान के आजाद से जाहिर होता है। जैसे क्या है ना कि वमा रमाइता इस रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, कि ऐ नबी आप जब तीर फेंक रहे थे आप नहीं फेंक रहे थे लेकिन अल्लाह फेंक रहा था, यानी अल्लाह ही उस तीर को पहुंचा रहा था वहां पे, अल्लाह के नबी तो फेंक रहे थे तीर, अल्लाह के नबी तीर फेंक रहे थे, अल्लाह के नबी भी फेंक रहे थे, लेकिन असल जो तीर को पहुंचाने वाला था वो कौन था, अल्लाह। ये कह सकते हैं कि इंसान में अमल जो करना है वो अल्लाह के नहीं है, अपना कसम अल्लाह, कसम इंसान का खुद है, लेकिन उसमें तो भी नहीं है इंसान, अल्लाह का अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की अता है जी, लेकिन कसम इंसान का है, कसम इंसान का है, अमल इंसान का है, अमल इंसान का है, तौफीक अल्लाह की है, यूं कह सकते हैं। यानी मैसेज इस आयत का ये है कि जो लोग इस बहतान अजीम से बच गए ना वो कोई इनके कोई अपना इनका कारनामा नहीं था बल्कि अल्लाह का खास फजल और रहमत थी लोगों पर कि ये जो है वो इससे बच गए। अल्लाह समीउ अलीम, और अल्लाह ताला ऐसे नहीं किसी का भी बस रैंडम लोगों का तज़किया कर दिया, रैंडम लोगों को तौफीक दे दी, बल्कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, खूब सुनने वाला है और खूब इल्म रखने वाला है। तो उसकी उसका तज़किया अगर किसी के लिए है तो हिकमत की बुनियाद पर है। जी कोई सवाल है?
सवाल ये कि अगर किसी शख्स के शर से खलकत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, खदशा हो, तो उसके मुतालिक जो है वो आगा किया जा सकता है मुतालिका अफराद को उसके शरूर से दूर रखने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो बात हो रही है जैसे मुहद्दसी ने जरा की इज्जतों की बात हो रही है, यानी प्राइवेट सेन का जो हुआ है ना उसके मुताबिक बात हो रही है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई शादी का मसला है या कारोबार का मसला है और उसकी कोई वो है तो आप उसको गीबत नहीं कहेंगे या उसकी इज्जत को उछालना नहीं कहेंगे, तरीके से आप ये इस पर कर सकते हैं। शेख एक सवाल है, आपने जो कहा था ना कि ये जुमला कहना कि अल्लाह ताला को मेरी ये नेकी पसंद आ गई जिसकी वजह से मदीन पर, आपने ये कहा था कि इस ये जुमला कहना कि अल्लाह ताला को मेरी कोई नेकी पसंद आ गई जिसकी वजह से मदीन पर आ गया, तो इससे कुछ उससे क्या जाहिर हो रहा है, मतलब क्यों नहीं कहना चाहिए ये? यार ये इसलिए नहीं कहना चाहिए कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि असल तो खूबी मेरे अंदर है कि अल्लाह ताला ने उस खूबी को देख मुझे हिदायत दी, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है ये तो फजल था अल्लाह का। फजल क्या होता है? फजल ही होता है कि आपके अंदर कुछ नहीं था, अल्लाह ने आपको उससे बढ़ के दे दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कि आप में कुछ होता और अल्लाह ताला आपको उसके बदले में दे देता, ये अदल होता। लेकिन फजल क्या होता है कि आप में कुछ नहीं था और अल्लाह ताला ने आपको दे दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। उस्ताद साहब उसमें ये भी बात तो है ना कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को खलक किया पैदा किया तो जो अफाल जो हम करते हैं उन सब का पैदा करने वाली भी अल्लाह ताला की जात ही है, तो किसी भी चीज की मैं निस्बत अपनी तरफ नहीं करूंगी बल्कि हर अच्छी चीज की जो निस्बत है वो अल्लाह ताला की करूंगी तरफ करूंगी। जी हाँ, असल मसला यही है कि जो भी इंसान के अफाल है ना वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की खल्क है, कसम इंसान का है, इसीलिए उसको इंसान की तरफ निस्बत की जाती है कि इंसान ने फला काम किया, इंसान ने फला काम किया, लेकिन खल्क अल्लाह की है। ठीक है, ये अकीदे का एक मसला है। बहरहाल इसको आप इंशाल्लाह कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पता नहीं, शायद पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें पढ़ेंगे। एक निफाक एतिकादी होता है और एक निफाक अमली होता है। निफाक एतिकादी होता है कि दिल में काफिर सामने मुसलमान, तो ये हकीकतन काफिर ही है, बदतरीन काफिर है। ठीक है, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में। तो ये अब्दुल्ला बिन उबै वगैरह जो थे ये एतिकादी मुनाफिक थे, और अमली मुनाफिक वो होता है कि जिसके अमल और फेल में, जिसके अमल और दिल में तजाद हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि वो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने अल्लाह को माना हुआ है, अल्लाह के रसूल को माना हुआ है, लेकिन वो कुछ गुनाह भी कर रहा है, मुसलसल किए जा रहा है, तो इसका मतलब वो कह तो रहा है कि मेरा रब अल्लाह है लेकिन अल्लाह की रुबूबियत को सही तरीके से उसको इजहार नहीं कर रहा, तो ये अमली मुनाफिक है। दूसरा सवाल ये था कि अगर कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव्स जो हैं आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं जैसे सईदा आयशा के बारे में हुआ, तो क्या उनसे कतअ ताल्लुक जायज होगा? मुझे नहीं पता किस तरह की बात करते हैं, ऐसी जैसे कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में इफ बहुतान इस तरह की वो कर रहे हैं तो समझाया जाए, इनको बात की जाए, मुझे नहीं पता, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है कि किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, और सिला रहमी तो है ये कि वो काटे तो आप जोड़े, सिला रहमी इसको कहते हैं, वो जोड़े आप ही जोड़े, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो तकाबुल है। सिला रहमी है कि वो काटे और आप जोड़े, वो लड़े आप बनाए, वो लड़े आप दोस्तियां करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे क्वेश्चन करना था आपसे। जी, ये अब्दुल्ला बिन उबई थे जिनको, मतलब जो एक अब्दुल्ला बिन उबई जिसको सजा नहीं मिली दुनिया में, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिससे बहुत ज्यादा सख्त नाराज होता है तो उसको दुनिया में ही सजा नहीं मिलती, उसकी सारी सजा आखिरत के लिए होती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो तो हर काम कर रहा है और फिर भी सारा खुश है और हर कुछ उसका, हर बिजनेस एवरीथिंग सब कुछ सेट है, सारी चीजें सेट है, और बगैर उसके बगैर तकलीफ में मर के भी चला गया। कुछ होते हैं ना जो मतलब एतकाद के और शिर्क में और मतलब दूसरी बहुत सारी बुराइयों में होते हैं, तो क्या मतलब इससे क्या मतलब है कि अब्दुल्ला बिन उबई को तो कोई दुनिया में सजा नहीं मिली और आखिरत में उसका? अब्दुल्ला बिन उबई को जो है हद कज़फ नहीं लगाई गई, ठीक है, ये तो बात है, अगर चे तवल्ला के प्रभु उसने वाकया का बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास थी, तो अहले इल्म फरमाते हैं, खुसूसन अब्दुल कयूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई को हद कज़फ इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसने सराहतन जो है वो
सबके सामने नहीं कहा था, और हद तब लगी जब इकरार किया जाए, यानी अगर किसी ने बहुतान लगाया है और से कहा कि और से पूछा जाए कि भाई तुमने बहुतान लगाया, वो कहते हाँ, तो फिर हद लगेगी। अब्दुल्ला बिन उबै जो है वो क्या करता था कि वो मुसलमान की मजालिस में यहाँ चुपके से बात लीक कर दी, कभी इसको लीक कर दी, कभी उसको लीक कर दी, और तो यानी सराहतन सरे आम जो आके जो है ना, इसने ये प्रोपेगेंडा नहीं किया था, नहीं उसने प्रोपेगेंडा किया था, सीक्रेटली लोगों को लीक कर रहा था बातें, तो ये फैलने का एक तरीका था, फैलाने का एक तरीका था, तो इसलिए उसको हद कज़फ नहीं लगी। तो क्या जिन तीन लोगों ने जो किया था, जो आपने बताया था ना, असाम बिन साबित थे, हमना बिन जहश जो उनकी मतलब जो सालिम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मुस्ता बिन उसासा, तो इन तीनों को क्या इन्होंने क्या मुंह से कह दिया था? तो जब हद से कोड़े लगे, ये इन्होंने इकरार किया होगा, इन्होंने इकरार किया होगा तभी इनको हद लगी होगी। और दूसरी वजह ये भी बताते हैं उलमा की, जैसे कि मुना ये इसका अब्दुल्ला बिन उबै का सही गुस्ताखी और कुफर में मुब्तला होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बातें पहुंची थी ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक उड़ाया था, हिवाया थी कि तुम्हें अल्लाह ही उसका रसूल मिला साथ मजाक उड़ाने का, तो इर्तिदाद यानी रिद्दा जिसको अपोस्टेसी कहते हैं, ये अब्दुल्लाह बिन उबै की अकवाल से भी साबित थी, लेकिन उस पर हद्दे रिद्दा यानी उसको कत्ल नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बताई थी, उसकी वजह ये थी कि लोग ये ना समझे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करते हैं, ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उनको अगर वो कौम के एक सरदार थे, उनको अगर कत्ल करते तो उसकी वजह से बहुत सारा मफसदा आता, एक कौम की बगावत खड़ी हो जाती। आप देखें इसी वाक्य इफ में, इसी वाक्य इफ में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे लिए सबसे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए कि कौन है जो मुझे इस शख्स से यानी अब्दुल्लाह बिन उबै से के खिलाफ मेरी मदद करेगा, इसने मुझे तकलीफ दी है, तो कबीला औस खड़ा हुआ कि किसने दी, उसकी हम गर्दन उड़ा देंगे, खजरज खड़ा हुआ किसने की, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, फिर आपस में लड़ाई शुरू हो गई औस और खजरज में, किसकी वजह से? अब्दुल्लाह बिन उबै के मसले की वजह से। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस मामले को ठंडा कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उलमा फरमाते हैं कि अगर अब्दुल्लाह बिन उबै पर ये हुदूद कायम की जाती तो इससे मुसलमानों में इंतशार का खतरा था, जैसे कि हुआ अभी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को ठंडा किया, हदीस की किताब में ये बात साबित है। तो ये भी वजह है कि एक वो कौम का सैयद था, और जो है वो कुछ मफासिद और मसाले होते हैं, मसलहतें होती हैं जिनको मद्देनजर रखना जरूरी होता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुफर की वजह से भी कत्ल नहीं किया और हद कज़ब भी नहीं लगाई। चलिए सुभानअल्लाह सर, नमाज का मतलब क्या है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में।